अभी हम लाइव जा चुके हैं। हम और 5 मिनट में शुरू करेंगे, तब तक बाकी जितने साथी जो जिनको जुड़ना है वो आ जाए। 5 मिनट में शुरू करते हैं, उसके पहले हम लोग आज का जो चर्चा है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। और आज हमारे साथ जो वक्ता आए हैं डॉक्टर अनिल सरगोपाल, उनकी भी हम परिचय दे देंगे। आज सभी को पता है कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, 2 दिन पहले ही कैबिनेट मिनिस्ट्री ने पास किया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और 1986 के बाद ये नया एक पॉलिसी लाया गया है, तो इसको लेके काफी सारे सवाल है और काफी सारे आकांक्षाएं भी है कि बहुत सारे चीजें ऐसे हैं हमारे देश की शिक्षा नीति में रही है जिसको बदलने की जरूरत रही है। उसमें बहुत सारे चीजों को ऊपर से देख के तो लग रहा है कि आज ये नई नीति एड्रेस भी करेगी, बहुत सारे ऐसे चीजों को बदलेगी जिसको लेके प्रॉब्लम आम स्टूडेंट ने फेस किया है। वो बात करती है कि कमर्शियलाइजेशन खत्म करेगी, रोट लर्निंग या रट्टा मारने की जो व्यवस्था है उसको खत्म करेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा को सपोर्ट किया जाएगा, और इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे फीचर की बात हो रही है जिसके वजह से एक तरीके का एक्सपेक्टेशन है इस पॉलिसी से। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख चुके हैं कि ये जो सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके की नीतियां उन्होंने अपनाई है, लागू किया गया है, जिस तरीके से पब्लिक यूनिवर्सिटी और पब्लिक एजुकेशन को विलिफाई किया गया है, अलग अलग तरीके से शिक्षा पर जो खर्चा होता है बजट को कम किया गया है, बजट डिक्लेयर करके भी पूरा खर्चा नहीं किया गया है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को खत्म करने के लिए, यूनिवर्सिटीज की जो लोकतांत्रिक रीति रिवाज रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, सोशल जस्टिस को खत्म करने के लिए, यूनिवर्सिटी में आरक्षण को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके की नीतियां अपनाई गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस नए नीति को देखें तो इसका उसके ऊपर हम इसको कैसे समझें, यही बातचीत हम सबके बीच में चल रही है जिसको लेके आज हम ये चर्चा आपके पास लेके आए हैं। कलेक्टिव की तरफ से हमारा उद्देश्य यही है कि ये सरकार का जो एजेंडा रहा है, जो कि निजीकरण का रहा है एक हाथ पे और दूसरे हाथ पे भगवाकरण का रहा है, उस एजेंडा को हम एक्सपोज करें, उसको समझे गौर से, और जो नीतियां लाई जा रही है उसको ठीक से हम समझे ताकि उसकी आलोचना भी कर पाए और जनता के बीच में एक चेतना पैदा कर पाए कि एक आंदोलन हम खड़ा करें इन नीतियों के खिलाफ, और एक नए समतामूलक शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, वैज्ञानिक सोच का प्रमोशन हो, और जीवन और जीविका से जुड़ी हुई एक शिक्षा व्यवस्था सबके लिए बना पाए, इसी की तरफ हम बात करेंगे। तो आज ये जो पॉलिसी आई है इसमें जो अलग अलग चेंज लाए गए हैं, एक तरफ पे फाइनेंशियल ऑटोनोमी की बात की जा रही है जहाँ पे मेजोरिटी जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है जो ऑलरेडी जिसका लगभग 80% प्राइवेट हो चुका है, उसमें और भी ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनोमी यानी कि निजीकरण की जाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ एक तरीके का मनुवादीकरण किया जा रहा है जिसका मतलब ये है कि संस्कृत जो इस देश में केवल 1,000 से भी कम लोग दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर थोपा जा रहा है, मातृभाषा के नाम पर जो पहले हिंदी को थोपने की एक साजिश थी ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी में, उसको अभी नए तरीके से मदर टंग के नाम पे लाया गया है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक केंद्रीकरण हुआ है जिसका मतलब है कि कहने के लिए तो ऑटोनॉमी दी जा रही है करिकुलम और सब कुछ डिजाइन करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक न्यू इंडियन एजुकेशन सर्विस के नाम से हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर और MHRD के अंडर नेशनल एजुकेशन को लाया जा रहा है, सीधे सीधे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलम और बाकी सब पॉलिसीज को सेंट्रली कब्जा किया जा रहा है। तो इन्हीं बातों को लेके आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज के वक्ता है उनकी परिचय देने की तो जरूरत ही नहीं है, जो शिक्षा को लेके चर्चा करते आए हैं उनको सबको मालूम ही होगा कि डॉक्टर अनिल जी अनिल सरगोपाल लंबे अरसे से शिक्षा को लेके उन्होंने उनका काम रहा है,
ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के साथ वो जुड़े रहे हैं और लगातार उनके जो रिपोर्ट होते हैं, उनके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो भी छात्र युवा शिक्षक शिक्षा को लेके गंभीरता से सोचता है वो भी ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक रखा है और डॉक्टर अनिरुद्ध गोपाल जी के साथ भी परिचय है। तो आज डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ है और वो इस नए सरकार की इस नीति को समझाएंगे। अगला 40-45 मिनट के लिए उनकी प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद वो जो दर्शक है उनसे सवाल भी लेंगे। आपके अगर कोई टिप्पणी या कमेंट है तो वो भी आप नीचे लिखिएगा और इसके बाद चर्चा को आगे लेके जाएंगे। तो मैं अभी अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि आप आके अपनी बात करें। शुरू करूं? जी, आवाज आ रही है? जी, यहाँ मौजूद सभी विद्यार्थियों को मेरा सलाम, जय भीम लाल सलाम। हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर इकट्ठे हुए हैं और आज इसका पूरा हमको फायदा उठाना चाहिए, ये जरूर समझने के लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दरअसल में कौन सा एजेंडा लेके आई है, किसकी तरफ से लेके आई है, किसके लिए लेकर आई है। और मैं उम्मीद खास कर ये करूंगा, चूंकि आप सब खूब ऊंची शिक्षा पा रहे हैं, कि हम ये तो समझेंगे ही, लेकिन उस कैसे किसी शिक्षा नीति को समझा जाए, उसका विश्लेषण करने के तौर तरीके क्या हो, ये भी हम समझें। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मेरा ये एकेडमिक काम भी रहा है कि मैंने इसको स्थापित किया और लोगों के बीच में जाके भी, विद्यार्थी संगठनों के बीच में भी मैंने उस तरीके को, पद्धति को पेश किया है कि किसी भी शिक्षा नीति को, ये हो या पुरानी सभी हो, उनको समझा कैसे जाए, उसका विश्लेषण का तरीका क्या हो। और उसका कुल मिला के लबो लबाव ये निकलता है कि किसी भी शिक्षा नीति में जो छपी हुई दो लाइनें होती हैं, प्रिंटेड टू लाइन्स, जो छपी हुई दो लाइनें होती हैं, उनके बीच में जो कोरी जगह होती है, सफेद जगह होती है, उस कोरी जगह में जो लिखा हुआ है, अगर वो हम पढ़ना सीख जाएं तो हमने उस नीति को समझना सीख लिया। जो कोरी जगह में लिखा हुआ है, जो कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो कुछ नहीं लिखा हुआ उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो पूरी चीज तो मैं पेश नहीं कर पाऊंगा, कभी आपका मन किए तो केवल उसी के ऊपर एक वेबिनार कर लीजिएगा, शिक्षण पद्धति को समझा कैसे जाए, शिक्षण नीति को कैसे समझा जाए। तो अगर मैं कभी कभी शिक्षण बोलूं, माफ कीजिएगा, मैं महाराष्ट्र में बहुत काम करता हूं, वहां शिक्षा को का अर्थ होता है दंड, जो असली सही अर्थ है। तो शिक्षा को वहां शिक्षण बोला जाता है, मेरी आदत पड़ गई है शिक्षा को शिक्षण बोलने की, माफ कर दीजिएगा, समझिएगा शिक्षण का मतलब शिक्षा। तो मैं ऐसे इस बात को पेश करूंगा कि ये शिक्षा नीति क्या करने वाली है, इसका एक झरोखा ट्रेलर हमको दिखा चुकी है हाल में ही, इसके स्वीकृति के पहले ही इसका ट्रेलर आ गया था। 24 जून को इस साल भारत सरकार ने 6 राज्यों की स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व बैंक के साथ दस्तखत किए, दस्तखत हो चुके हैं, एग्रीमेंट हो गया। और उस दस्तखत को करते हुए ये कहा गया कि अब शुरुआत हो रही है देश की पूरी स्कूली शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन करने की। यानी ये जो दावा ये नीति कर रही है, उसका दावा विश्व बैंक के साथ दस्तखत करके भी किया गया। तो विश्व बैंक कहीं ना कहीं है इन सब चीजों के पीछे। और इस पे ये बात कभी नहीं बताई गई कि जो विश्व, ये तीसरी बारी बुलाया गया है विश्व बैंक को भारत की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए। पहली बार बुलाया गया था 90 के दशक में, जब देश के 18 राज्यों में और आधे से अधिक जिलों में प्राथमिक शिक्षा का को नष्ट करने के लिए विश्व बैंक ने बड़ी भारी भूमिका अदा की और 10 साल के भीतर ही इतना तहस नहस कर दिया प्राथमिक शिक्षा को, प्राइमरी एजुकेशन को, कि उसके आने वाले 10 साल में तेजी के साथ प्राइवेटाइजेशन की मार्केट खुल गई, स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन की मार्केट खुल गई। वही असली मकसद था, ये तो बहाना था कि हम भारत की प्राथमिक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए आए, वो बहाना था। उसके अगले 20-25 सालों से विश्व बैंक सर्व शिक्षा अभियान या अब समग्र शिक्षा अभियान का अभिन्न हिस्सा है। तो अब तीसरी बारी बुलाया गया है, जैसे
पूरा पूरी तरीके से भी तहस नहस नहीं हुई, तो और तहस नहस किया जाए ताकि सारे के सारे स्कूल प्राइवेट बन जाए, तब शांति मिलेगी विश्व बैंक को भी और भारत सरकार को भी। तो ये इसका मकसद आपको समझ लेना चाहिए। दूसरा कदम ये उठाया गया, जैसा आप सब जानते हैं कि सीबीएसई के 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में 30% कटौती की गई, और कहा यह गया कि कटौती इसलिए की जा रही है कि अब कोर्स पूरा नहीं हो पाया, स्कूल बंद है मार्च के महीने से, तो अब इतना नुकसान हो गया है तो काट ही दो उसको। इसका मतलब यह है, वो अजीब बात कह रहे हैं कि मार्च तक तो लगभग खत्म हो रहा था वार्षिक कैलेंडर, वो तो अप्रैल में वैसे ही खत्म हो जाता, शायद मार्च में के अंत में ही खत्म हो जाता। तो इसका मतलब मार्च के अंत होते होते आखिरी महीना बचा था, उसमें उन्होंने 30% कोर्स कवर नहीं किया था, ये तो असंभव है। और इतने महत्वपूर्ण विषय जिनको उन्होंने बाद में निकाला, बात कुछ और थी, वो विषय उनको निकालने थे, वो आरएसएस के मन माफिक विषय नहीं थे, उनको निकालना जरूरी था आरएसएस के फासीवादी हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए वो आवश्यक था कि बच्चे इनके बारे में पढ़ना बंद कर दें, तो वो उन्होंने करना था। कोविड की महामारी का उन्होंने फायदा उठा लिया, तो प्रधानमंत्री कहते ना कि इस संकट का को मौके में बदल दो, संकट को मौके में बदलने का उन्होंने एक दृष्टांत पेश कर दिया, ये लो एग्जांपल, ऐसे तुम भी कर सकते हो, कर लो। तो अभी उसमें नहीं जाएंगे, अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच ने उसके ऊपर अपनी राय जाहिर कर दी है लिखकर, कि वो 30% कोर्स क्या काटे गए, क्यों काटे गए, उसके पीछे क्या राजनीतिक सोच था, कि जब आप आजादी की लड़ाई का चैप्टर काटते हो तो आपका कोई मकसद होगा। और शायद इसी समय मैं कह दूं, जो मेरी बाकी बात से भी जुड़ा हुआ है, कि आजादी की लड़ाई में दो विमर्श डिस्कोर्सेस समानांतर चले हैं, टू पैरेलल डिस्कोर्सेस, दो समानांतर विमर्श चले हैं, एक है जाति विरोधी विमर्श और दूसरा है साम्राज्यवादी विरोधी विमर्श, एंटी कास्ट डिस्कोर्स एंड एंटी इंपीरियलिस्ट डिस्कोर्स, दोनों इकट्ठे चले हैं। इसके ये दोनों विमर्श इकट्ठे चले हैं और इन दोनों विमर्शों से ध्यान भटकाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए चलो उसका अध्याय निकाल दो। ऐसे ही भारत की संघीय रचना, फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन यूनियन, इससे तो बहुत तंग आते हैं ना, क्योंकि सारा केंद्रीकरण करना है, जैसा अभी आप सुनेंगे ही इस शिक्षा नीति में सारा केंद्रीकरण हो गया है, तो सारा चूंकि केंद्रीकरण करना है हर एक चीज का, केवल शिक्षा का ही नहीं, हर चीज का, मतलब कोविड की महामारी से कैसे जूझा जाए, इसके सारा केंद्रीकरण प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में हो गया। बाकी सारे बड़े बड़े इसके वैज्ञानिक, महामारी को समझने वाले वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, सब फजूल हो गए, सब कुछ एक जगह पे आ गया। तो वैसा ही केंद्रीकरण एक फासीवादी हिंदू राष्ट्र का एक केंद्र बिंदु है, उसका इसका इसका जो इसकी जो शिक्षा है वो आरएसएस के तीन लीडर भेजे गए थे 1930 में यूरोप में, तो उन्होंने मुसोलिनी के इटली का अध्ययन किया और हिटलर के जर्मनी का अध्ययन किया, वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर एक ही लीडर होता है, सुप्रीम लीडर, इटली में मुसोलिनी था और जर्मनी में हिटलर था, तो उनको लगा कि यही चीज भारत में होनी चाहिए, तो एक सुप्रीम लीडर और हर चीज ऐसे कही जाएगी कि मतलब एक भारत तो एक राशन कार्ड, एक भारत तो एक आधार कार्ड, उससे तो नारे निकले ना, तो एक भारत एक लीडर, तो ये सब वहां से निकली हुई बातें हैं। तो एक संघीय रचना कतई मंजूर नहीं है, और ना मंजूर करने के लिए आप भारत के संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, आर्टिकल है एक और उप अनुच्छेद एक, उसका उल्लंघन करते हैं, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो राज्यों का संघ होगा उसमें सारी सत्ता बंटी होगी, केंद्र से लेके राज्य तक, राज्य से लेके नगर पालिका महानगर पालिका तक, नगर निगम तक, जिला परिषदों तक, ग्राम पंचायत तक, वहां तक बंटी होगी, यही बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी। तो यह अध्याय पढ़ाना बहुत खतरनाक है हिंदू राष्ट्र के लिए, उनकी इस अवधारणा के खिलाफ जाता है, इसलिए उसको भी हटाया गया, और नहीं बताऊंगा, और आप पढ़ सकते हैं अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के आलोचना में भी। साइंस में उन्होंने क्या हटाया, एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी हटा दी, क्योंकि जब से इसका नाम, जब से सरकार बनी है पहले कार्यकाल में 2014 में, तब से वो परेशान है एवोल्यूशन क्यों पढ़ाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक बयान दिया था एक मंत्री ने, मोदी जी के पहले कार्यकाल में जो मंत्री थे उन्होंने बयान दिया था, जा सकता है। भारत के प्राचीन साहित्य में तो कहीं नहीं बताया गया कि बंदरों से इंसान बनता है, कभी भी डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई गई, इसलिए जब हमारे शास्त्रों में नहीं है तो वो क्यों आज पढ़ाई जा रही है, ये तर्क दिया था उसके खिलाफ, तो उसको भी हटाया गया। और उसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज,
ये वाला चैप्टर भी हटा दिया गया, क्योंकि अब खुलकर आदिवासी क्षेत्रों में और गैर आदिवासी क्षेत्रों में जो भी प्राकृतिक संसाधन लोगों के हैं, जल जंगल जमीन हो, खदानें हो, वो सब अब तेजी के साथ कॉर्पोरेट घरानों को सौंपी जा रही है, और महामारी का पूरा फायदा उठाकर। इसीलिए लेबर लॉज डाइल्यूट कर दिए गए, मतलब जो मजदूर, लाखों मजदूर चले हजारों किलोमीटर उनके पक्ष में न कुछ करके, बल्कि लेबर लॉज डाइल्यूट कर दिए गए। यहां तक कि न्यूनतम मजदूरी का कानून भी डाइल्यूट हो गया, वो भी खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो पर्यावरण के कानून थे, जो नहीं परमिशन देते थे कि बिना पूरी जांच पड़ताल के आप कहीं पर जाके खदान शुरू कर दीजिए या कोई और प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए आदिवासी क्षेत्र में, उसकी परमिशन नहीं मिलती थी, अब वो भी परमिशन देना जरूरी नहीं है, आप शुरू कर दीजिए, अगर कोई आपने कानून तोड़ भी दिए तो बाद में उसका वैधानिकरण हम करवा देंगे, ये साफ लिखा हुआ है, बाद में वैधानिकरण हो जाएगा। तो ये सब फायदे उठाने थे, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कैसे की जाए और क्यों की जाए, ये वाला अध्याय भी निकाल दिया गया। तो ये पृष्ठभूमि है, तीन बड़े कदम तो अभी उठाए गए, उसके पहले उठाए गए, अभी उसमें पुरानी बातों में नहीं जा रहा। पिछले 2016 में इसका पहला ड्राफ्ट आया था सुब्रमण्यम कमेटी के नाम से, उस समय से इसके सारे प्रावधानों को तेजी के साथ जमीन पर उतारा जा रहा है, उनको तो इंतजार करने की जरूरत ही नहीं थी इस कैबिनेट अप्रूवल की, वो कर दिया, एक फॉर्मेलिटी थी, वो फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन इस पे भी एक गौर कीजिए, जब उन्होंने 29 तारीख को इसको अप्रूव किया तो लगा कि भाई ये जो आखिरी ड्राफ्ट इन्होंने दिया है, जो पांचवा ड्राफ्ट है दिसंबर 2019 में सामने आया था, तो उसी को अप्रूव किया होगा, क्यों उसके बाद तो कुछ आया नहीं, और उस पर जनता को जो कुछ कहना था वो कह चुकी थी, तो उसी का अप्रूवल मान लिया गया। लेकिन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे तक कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी प्रारूप मसौदा वहां नहीं था। 30 जनवरी की शाम को एक मसौदा वहां पे अपलोड किया गया, जब उसको डाउनलोड किया गया तो पता चला कि दिसंबर वाला नहीं है, बदल चुका है, इसमें 6 पेज और जुड़ गए हैं। तो बड़ी कोशिश की पता करने की 6 पेज क्या है, क्या चीज जुड़ी है, तो पता चला उसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया, कई पैराग्राफ बदले गए वो अलग बात है दिसंबर के मसौदे के मुकाबले में, लेकिन एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वो अध्याय है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। आप सब विद्यार्थी जूझ रहे हैं इसी समस्या से, तो ये भी सुन लीजिए, ये जोड़ा गया, अब जोड़ा गया आखिरी मौके पे, आखिरी क्षण में, जब शायद अप्रूवल दी जा रही थी कैबिनेट कमेटी में, वहां प्रधानमंत्री ने बोला होगा इसको जोड़ा जाए, तो जोड़ा गया, अगले 24 घंटे में लिख के जोड़ दिया गया। तो ये जो ड्राफ्ट है, अगर आप इसको गंभीरता से समझें तो ये वो ड्राफ्ट है जिस पर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई है, कोई सार्वजनिक फीडबैक नहीं लिया गया है, ये पहली बार जनता के सामने आया है। आज ही मुझे उसको दोबारा देखते हुए पूरा पैराग्राफ मिल गया, उच्च शिक्षा का जहां अध्याय शुरू होता है उसका पहला पैराग्राफ जो है 9.1, वो नया जोड़ा गया है, वो अभी जोड़ा गया है। अब समझ में आता है कि वो दिसंबर में क्यों नहीं था और आज के ड्राफ्ट में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि वो बहुत जोर से संविधान की प्रस्तावना को रखता है, संविधान की प्रस्तावना पूरी पढ़ के सुनाता है, उनको लगा ये नहीं अगर सुनाई तो जो पूरा NTCA प्रोटेस्ट हुआ है, जिन्होंने हजारों बार प्रस्तावना पढ़कर जनता को सुनाई है, उसकी बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो उसका उसकी टक्कर में हार रह जाए, इसलिए उन्होंने पहली बार इसमें जोड़ा, संविधान की प्रस्तावना जोड़ी, इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय NTCA आंदोलन को जाता है इसको जोड़ने के लिए, ये भी आप समझ लीजिए। ये सब पॉलिटिक्स हमको समझनी पड़ेगी तब हम पूरी शिक्षा नीति को समझ पाएंगे। तो ये पृष्ठभूमि है कि ऑनलाइन शिक्षा का अध्याय क्यों अचानक जोड़ा गया। इसकी प्रस्तावना 1 मई को इस साल प्रधानमंत्री ने दे दी थी, प्रधानमंत्री ने इस नीति का रिव्यू किया था 1 मई को, उसके बाद एक वक्तव्य दिया जो कई जगह छपा, तो उस वक्तव्य के आधार पर मैं आपको ये कह रहा हूं। उसमें उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन शिक्षा आने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सार तत्व होगी, कोर होगी, इट विल बी द कोर ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये इतना जोरदार और जरूरी सार तत्व है कि ये पूरा पूरा नजरिया ही बदल देगा शिक्षा का, शिक्षा की बुनियाद बदल के रख देगा, और इस शिक्षा के जरिए भारत में एक बहुत ही नए ढंग का समाज खड़ा होगा, ये उन्होंने घोषणा करी, और देश को दुनिया की ज्ञान महाशक्ति, नॉलेज सुपर पावर में तब्दील कर देगा, ये उन्होंने 1 मई को कहा था। न तो उन्होंने समझाया इसको लाने से क्यों गुणवत्ता बढ़ जाएगी शिक्षा की, जिसका उन्होंने दावा किया, ये कोई नहीं जानता, ये उन्होंने कहा तो मान लो, ये
उन्होंने कहा कि नॉलेज सुपर पावर बन जाएंगे, तो नॉलेज सुपर पावर क्या चीज होती है अभी हमको मालूम नहीं, और नॉलेज सुपर पावर क्यों बनना चाहते हैं ये भी मालूम नहीं है, है पर हम बन जाएंगे उन्होंने वायदा कर दिया है। और इतनी महत्वपूर्ण चीज जब वो कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद एक रिपोर्ट इंटरनेट पे आने लगी, वो इंटरनेशनल मार्केट की कोई एजेंसी है, वो मार्केट के ऊपर रिव्यू करके रिपोर्ट देती रहती है बीच बीच में, उसकी रिपोर्ट आ गई। उससे पता चला आने वाले 4 सालों में भारत में लगभग $15 बिलियन का नया धंधा खुल गया है, और धंधे का नाम है ऑनलाइन शिक्षा। वो शिक्षा नहीं है, $15 बिलियन वो चूंकि एस्टिमेट महामारी के पहले लगाया गया था, तो महामारी के बाद जो उसमें बढ़ोतरी हुई है तेजी के साथ, तो वो इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया, अब मैं समझ गया अचानक गूगल के मालिक पचाई साहब को क्यों इतना देश प्रेम जाग गया कि उन्होंने अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ $1 बिलियन लगा दिए, निवेशित कर दिए, इन्वेस्ट कर दिया। अचानक ये प्यार कहां से जाग गया? इसलिए नहीं कि वो एक जमाने में भारत के नागरिक होते थे, आज नहीं है, पर उनको NRI बोला जाता है। और उनकी तुरंत इस घोषणा करने के तुरंत बाद उनकी मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, गूगल के मालिक की ऑनलाइन मीटिंग हुई, क्योंकि $1 बिलियन कई बिलियन 5 या 6 बिलियन उन्होंने दिए। ये धंधा तेजी से अब बढ़ेगा, तो इसका इसका जो सबूत है धंधा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वो सबूत है UGC का वो हिटलरी आदेश जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। और वो हिटलरी आदेश अचानक निकला क्योंकि इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था UGC का, उसमें लिखा था कि राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय मिलकर, यूनिवर्सिटियां मिलकर तय कर लें कि उनको फाइनल परीक्षा लेनी है नहीं लेनी है और कैसे लेनी है, वो लोग मिलकर तय कर लें। अचानक कुछ हफ्तों के बाद ये बदल जाता है और 7 जुलाई को ये आदेश आ जाता है कि सबको जबरन अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की फाइनल परीक्षा लेनी होगी, इसमें कोई अब गुंजाइश नहीं हम छोड़ेंगे इसका उल्लंघन करने की। ये क्यों थोपा जा रहा है अचानक, क्या हो गया है? तो पहला आदेश जो कहता था राज्य सरकारें फैसला कर लें, दूसरा आदेश सबको मानना पड़ेगा, इसके बावजूद कि 8 राज्य सरकारें आज भी स्टैंड ले रही हैं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे, इसके बावजूद उनको कहा जा रहा है आपको करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन शिक्षा के धंधे में लगे हुए कॉर्पोरेट घरानों का आदेश है, इसको जल्दी करवाया जाए, हमारे धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ऑनलाइन परीक्षा करोड़ों विद्यार्थी लें, तब हमारा धंधा खूब बढ़ जाएगा, आसमान छुएगा, परवान पाएगा। ये सब पृष्ठभूमि जिसमें मैं आगे की बात कहूंगा, इस पृष्ठभूमि से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इस नीति की एक बहुत बड़ी खासियत है, एक तो ये छठा ड्राफ्ट है, छठे ड्राफ्ट में बहुत कुछ कहा और बदल दिया, और ये नहीं बताया इसमें कि इसके पहले जितना कहा वो हम रद्द करते हैं, ये भी नहीं कहा, वो रद्द करना कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जो 484 पेज की कस्तूरी रंगन रिपोर्ट थी जो 31 मई 2019 में सामने आई, उसके ड्राफ्ट कुछ पढ़ने को मिल गए थे हमें, वो अलग बात है, पर पब्लिक में पहली बार आई उस तरीके से, उसमें जो बातें कही थी उसको हम अब नहीं मानते, उसको ओवररूल करके ये 66 पेज का नया ड्राफ्ट लिखा जा रहा है, ये नहीं कहा। इसका मतलब चूंकि इसकी अनुशंसाएं, इसकी सिफारिशें वही है जो कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की थी, केवल उसका इलेबोरेशन, उसका विस्तार नहीं किया गया है, समझाया नहीं गया, उसका बैकग्राउंड नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है इस रिपोर्ट को जब पढ़ा जाए और कोई आपको शक हो, सवाल हो, समझना चाहे इसका वास्तव में इंटरप्रिटेशन या व्याख्या क्या होगी, तो 484 पेज की कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये वास्तव में क्या कह रहे हैं। अभी तो बहुत लिपापोती हुई ना, बहुत लिपापोती हुई है, जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया, तो ये तो लिपापोती वाला 66 पेज का ड्राफ्ट है जिसमें सच्चाइयां छिपाई गई है। तो इसके कुछ उदाहरण लेंगे इस बात को हम समझने के लिए। जैसे इसमें प्राइवेट स्कूलों की और प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तो बहुत बात है, बहुत सारी बात है, और उन पर भी, उनके भी असली चरित्र को छिपाने के लिए बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन बहुत बात की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा में समता मूलकता होनी चाहिए, शिक्षा समता मूलक या इक्विटेबल होनी चाहिए, बार बार कह रहे हैं। अगर इक्विटेबल होनी चाहिए तो ये कैसे क्यों कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल भी होगा उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और प्राइवेट स्कूल भी होंगे,
भाई जब आप समता मूलक की मूलकता की बात कर रहे हैं और आप बराबरी की बात कर रहे हैं, भेदभाव से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो अगर प्राइवेट स्कूल होगा, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी होगी, तो कैसे भेदभाव नहीं होगा? फिर भेदभाव तो होगा ही। जिसके घर में हैसियत है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजने की, वो भेजेंगे। जिनके घर में हैसियत नहीं है, वो नहीं भेजेंगे। ये तो बिल्कुल साफ है ना। इसके बाद भी जब आप कहते हैं समता मूलकता होगी, तो हम समझना चाहेंगे कि ये दोनों बातें आप इकट्ठे कैसे कर सकते हैं। तो फिर आप ये कहते हैं कि शिक्षा मुनाफे का जरिया नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अगर आप कहते हैं शिक्षा मुनाफे का जरिया नहीं होना चाहिए, ये समाज को आगे ले जाने का जरिया है, तो आपने क्या कहीं कहा कि प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों के मुनाफे पर पूरी रोक टोक लगा दी जाएगी? ये तो आपने कहीं नहीं कहा। आपने केवल राय जाहिर की कि मुनाफे का जरिया नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी राय है, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा हम ये कानून बनाएंगे, इतना मैकेनिज्म खड़ा करेंगे, इतना सुपरविजन करेंगे, रेगुलेशन करेंगे, ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षा से मुनाफा ना कमा सके। ये तो कतई नहीं कहा, पूरे 66 पे में कहीं नहीं, आप देख लीजिए। तो बात उन्होंने छिपा ली। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि शिक्षा व्यापार का या कारोबार का जरिया कभी भी नहीं बनना चाहिए। शिक्षा, हम हमेशा नारे लगाते रहे, आप भी लगाते होंगे, शिक्षा नहीं है कोई कारोबार, शिक्षा है हमारा मूल अधिकार। तो ये जो नारा लगाते हैं, इस कम से कम इसके पक्ष में हमको सुन लेते हैं इसमें, तो हमको राहत मिल जाती। उन्होंने कह दिया कि ट्रेड के लिए, कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है शिक्षा में, लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने। इसका लिए मतलब यह है, शिक्षा में कारोबार के लिए भी जगह है और शिक्षा में मुनाफाखोरी पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। फिर वो एक बड़ी रोचक बात कहते हैं कि पश्चिमी देशों में और खासकर अमेरिका में शिक्षा में परोपकार की राशि अगर दी जाती है, पैसा दिया जाता है परोपकार के नाम पे, तो उसका बहुत स्वागत होता है। लेकिन हमारे देश में तो बहुत पिछड़ापन है, हम समझते नहीं परोपकार का मतलब क्या है। परोपकार का स्वागत होना शुरू हो जाना चाहिए, यानी फिलेंथ्रोपी का, फिलेंथ्रोपी या परोपकार का स्वागत शुरू हो जाना चाहिए। कोई शर्त नहीं बता रहे, होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि परोपकार के जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेंगे, मतलब अंबानी जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको 1 अरब रुपया देंगे किसी यूनिवर्सिटी को शुरू करने के लिए, तब देंगे तो उनको उसमें तो टैक्स माफी हो जाएगी, CSR के तहत जो मिलती है वो तो मिल जाएगी उनको। लेकिन उसके बाद वो अगर मुनाफा कमाते हैं उससे, तो इसमें क्या कोई रोक लगेगी? वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, कोई रोक का मामला ही नहीं है। पर पॉलिसी उससे आगे बढ़ती है, कहती है कि परोपकार के संस्थाओं का यह मतलब नहीं कि उनको सरकार से अनुदान नहीं चाहिए, उनको भी सरकार से अनुदान चाहिए। वह गजब है, मतलब अंबानी अडानी अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज भी खोलेंगे, उसके बाद उनको सरकार से अनुदान भी मिलेगा। तो हमने कहा, वो जो पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 P थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी के जो 3 P थे, क्या उसमें से बीच का जो P है वो बदला जा रहा है? उसको पब्लिक प्राइवेट की जगह क्या पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप बोला जाएगा? ये हमने कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट जो पढ़ी थी पिछले साल मई के महीने में, तब हमने कहा था, मई जून के महीने में। तो अभी जो ड्राफ्ट हमारे सामने है, जिसको अप्रूवल मिली है, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, परोपकार के नाम पर पैसा भी आएगा और उनको सरकार भी अनुदान देगी, सरकार पूरी मदद करेगी। और भी कुछ लिखा हुआ है उसमें, जहां पर लिखा है कि हम अधूरातन ऊंची क्वालिटी की टेक्स्ट बुक तैयार करवाएंगे स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, तो लिखा है। फिर लिखा है कि इसके अलावा और भी पूरक पुस्तकें भी तैयार होंगी जो अतिरिक्त होंगी, उनको विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा पढ़ने के लिए, वो अपने मन से पढ़ेंगे, उसमें इम्तहान नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी जो अतिरिक्त पुस्तकें बहुत सारी हम बनवाएंगे, उसमें पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप की बहुत जरूरत है, वो सरकारी मदद से ही बन पाएंगी, पर उसमें ठप्पा लगेगा अंबानी अडानी की कंपनियों का। क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये हमको समझने की कोशिश करनी, कैसे इंटरप्रेट किया जाए इन सब चीजों को। फिर एक और सवाल उठता है, जब आप बार बार रट्टा लगा के रो रहे हैं कि बहुत बदहाली है, बहुत भेदभाव रहा है अब तक, पर अब 70 साल बीत चुके हैं, अब से भेदभाव बंद हो जाएगा शिक्षा में, बराबरी आ जाएगी, समता मूलकता आ जाएगी, तो आप बड़ी अच्छी बातें हमको कह रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक जो शिक्षा में पूरी शिक्षा
शैक्षिक संस्थान और व्यवस्था परतों में बटी हुई थी, परत दर परत शिक्षाएं थी, मतलब जो सरकारी स्कूल थे उनमें भी पढ़ते थे, कम घटिया सरकारी स्कूल, ज्यादा घटिया सरकारी स्कूल, बेहतरीन नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे बेहतरीन सरकारी स्कूल जिनके जिनके जो तुलना में किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर परिणाम देते रहे हैं, दसवीं बारहवीं के रिजल्ट का देते रहे हैं, ऐसे बढ़िया स्कूल, स्टाफ मौजूद, सारी सुविधाएं, खेल कूद की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, सारी प्रयोगशालाएं कंप्यूटर की, विज्ञान की, सब मौजूद है वहां पर, हॉल है एक और वो, और दूसरी ओर निहायत बदहाली में चलने वाले सरकारी स्कूल, ये तो परतें बना दी गई हैं। यहाँ तक कि जब कोठारी आयोग ने कहा था कि जब कॉमन स्कूल सिस्टम या समान स्कूल व्यवस्था लाई जाएगी तो उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल होंगी, सब कॉमन होंगी, सारे मानदंड कॉमन होंगे, सबके बराबर होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, जिसमें राष्ट्रपति के भी बच्चे पढ़ेंगे और राष्ट्रपति के चपरासी के बच्चे भी पढ़ेंगे, ये नारा आज भी हम लोग लगाते हैं। तो ये जो पूरी कल्पना थी कि परतदार शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वो बन चुकी है। तो क्या ये नीति जो बार बार बराबरी और समता मूलकता के लहजे में सारी बात लिखती है, क्या इसने कहा है कि ये जो परतदार शिक्षा व्यवस्था है इसको हम खत्म कर देंगे, मल्टी लेयर्ड स्कूल सिस्टम, मल्टी लेयर्ड कॉलेज सिस्टम, मल्टी लेयर्ड यूनिवर्सिटीज को खत्म कर देंगे? नहीं, वो तो बल्कि उसको और वैधानिकृत कर रहे हैं खत्म करने की जगह। फिर कैसे बराबरी आएगी, कोई पूछे उनसे? फिर कैसे भेदभाव मिटेगा? ये सवाल उठने चाहिए, और इसको अगर मीडिया नहीं उठाना, ना उठाएगा कि मीडिया कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो कम से कम हम और आप तो उठा सकते हैं ना, हम जम के उठा सकते हैं और जनता तक ले जा सकते हैं कि ये वैसी ही भेदभाव वाली गैर बराबरी में टिकी हुई शिक्षा रहेगी जैसी पहले भी रही है, और ये बदलने का कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं है। हालांकि बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में कह रहे हैं कि शिक्षा इंक्लूसिव होनी चाहिए, बार बार कहते हैं, कई अध्याय हैं इसमें, स्कूलों के अध्याय में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 3-4-5 साल के, जिनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, किंडरगार्टन वाली शिक्षा दी जाएगी, उनके लिए भी लिखा है इंक्लूसिव। जो कक्षा 8 तक के स्कूल है उनके लिए भी लिखा है इंक्लूसिव, जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज है वो भी इंक्लूसिव, और विश्वविद्यालय भी इंक्लूसिव, सब इंक्लूसिव होंगे। तो ये क्या मामला है? ये इंक्लूसिव का मतलब जो हिंदी में कहेंगे समावेशन, तो हिंदी में कहने से कोई मदद नहीं मिलेगी आपको। मैं आपके सामने एक अलग ढंग की धारणा रख रहा हूं, उस पर विचार कीजिएगा, आप सहमत नहीं होंगे तो सवाल पूछिएगा। मेरा मानना यह है कि इंक्लूजन की बात बहुत ही खतरनाक है और ये जन विरोधी विचार है, ये जनपक्षी विचार नहीं है, ये संविधान विरोधी बात है। लगेगी आजकल इंक्लूसिव कहना तो आपकी प्रगतिशीलता की निशानी हो गई, आपने नहीं कहा और मेरे जैसा आदमी उसके खिलाफ बोला तो जरूर आज अनिल जी कोई गलत बात कहने वाले हैं। नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं, मैं सही बात आपके सामने रखने वाला हूं। भारत के राजनीतिक विमर्श में पहली बार इंक्लूजन शब्द कब आया? क्या ये जब से संविधान बना तब आया? संविधान सभा की डिबेट में आपको समावेशन या इंक्लूजन कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसके बाद 60 साल जब बीते तब आया, तो भी नहीं आया। कई पंचवर्षीय योजना आ गई, उसमें भी लिखा हुआ नहीं था। जब 11वीं पंचवर्षीय योजना आई 2011 में, तब पहली बार ये शब्द हमारे राजनीति में इस्तेमाल हुआ। उसका नाम ही था इकोनॉमिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, समावेशी आर्थिक वृद्धि, उसका नाम था। और तब से सारा मीडिया, सारा कॉर्पोरेट पूंजी का एजेंडा सब लट्टू हो गया इस शब्द के ऊपर, सबको बहुत प्यारा हो गया। इंक्लूसिव लोन्स होंगे, सब कुछ इंक्लूसिव होगा, पॉलिटिक्स इंक्लूसिव नहीं होगी, उससे सब बाहर रखा जाएगा, पर पॉलिटिक्स सबको इंक्लूड करेगी, है तो पॉलिटिक्स इंक्लूसिव की बन गई। ये इतना प्यार इस शब्द से क्यों हो गया? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं, इसलिए हो गया क्योंकि ये जो शब्द है ये नव उदारवादी पूंजी का शब्द है, ये भारत के संविधान की जड़ों से निकला हुआ शब्द नहीं है। भारत के संविधान में समावेशन की बात नहीं है, बराबरी की बात है, समानता की बात है। बराबरी होगी, समानता होगी सभी चीजों की, सभी सुविधाओं की, सभी सेवाओं की, सभी प्रावधानों की, हर चीज की, जल जंगल जमीन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक की, सब चीजों की, अगर रोजगार की, अगर समानता होगी तो इंक्लूजन का सवाल ही नहीं उठता। समावेशन की बात तो तब करते हैं जब आप गैर बराबरी को बरकरार रखना चाहते हैं,
जब भेदभाव को बरकरार रखना चाहते हैं तब बार बार समावेशन की बात करके हमको आप भटकाते हैं। और ये समावेशन तो बिल्कुल कारोबार की शर्तों पे होगा, नवोदारवादी पूंजी फाइनेंस कैपिटल वित्तीय पूंजी की शर्तों पे होगा। वित्तीय पूंजी तय करेगी किसका समावेशन किया जाएगा, किसका किसको बाहर निकाला जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा की बात ले लीजिए, जिससे आप जानते हैं मुश्किल से 8% लोग देश के ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों है। और अगर आप मध्य प्रदेश के इलाकों में देखेंगे वहां ग्रामीण क्षेत्र में केवल 2.7%, मैं मध्य प्रदेश का हूं वहां से बोल रहा हूं, केवल 2.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर है, और इतने ही लगभग इतने हैं जिनके पास अलग अलग है, उनके पास इंटरनेट है, दोनों अलग अलग है, उनको जोड़ेंगे तो और कम हो जाएगा। और सभी प्रदेशों में ये हाल होंगे, तो अभी और डेटा नहीं आपके सामने पेश कर रहा। तो ये समावेशन की बात तब उठती है ऑनलाइन शिक्षा में, क्योंकि आपने अधिकतम लोगों को, शायद 95% लोगों को ऑनलाइन शिक्षा से बाहर रखना है, कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब आप इंक्लूजन की बात करेंगे, जो बच गए उनमें से कितने इंक्लूड कर लिए जाए, उसमें से बचे हुए लोगों में से 0.5%, 1%, 1.5%, किनको किया जाए किनको नहीं किया जाए। जो दलित गांव में रहते हैं उनको हम भुला सकते हैं, पर दलित जो शहरों में रहते हैं, कि वहां चेतना बहुत है, दलित चेतना मुंबई शहर में बहुत ज्यादा है, तो चलो उनको इंक्लूड कर लो, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएंगे। क्या हो गया आपको अपने साथ शामिल करने का, आपको कंट्रोल करने का भी, आपका इस्तेमाल करने का भी। इंक्लूजन एक नवोदारवादी एजेंडा है, न कि भारत का संवैधानिक एजेंडा है, इस बात पर आप सोच विचार कीजिए। तो मैं इंक्लूजन की बात नहीं करूंगा, मैं बार बार बात केवल समानता की करूंगा, वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और भेदभाव से मुक्ति की बात है। तो ये सब कहने के बाद मैं ये अगला सवाल पूछ रहा हूं कि 1966 की कोठारी शिक्षा रिपोर्ट ने, आयोग ने ये जो एक बहुत ही अभूतपूर्व सिफारिश की थी कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था समान स्कूल व्यवस्था हो। समान का मतलब एक रूपी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, नहीं तो कहते एक रूपी शिक्षा व्यवस्था हो। समान शिक्षा का व्यवस्था का मतलब यह है कि सारे स्कूलों, सारे कॉलेज, सारे विश्वविद्यालयों के बुनियादी मापदंड बराबर के हो। मापदंडों में कोई फर्क नहीं। अगर आप कहते हैं कि हर 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होना जरूरी है, तो ये मापदंड देश के 14 लाख स्कूलों पर लागू है, न कि केवल 1100 केंद्रीय विद्यालय और 700 नवोदय विद्यालय पे। अगर आप ये कहते हैं कि छठी कक्षा के बाद हर एक स्कूल में एक विज्ञान की प्रयोगशाला लेबोरेटरी होनी चाहिए, तो 14 लाख स्कूल में होनी चाहिए, न कि 1100 केंद्रीय विद्यालय और 700 नवोदय विद्यालय में, आदि आदि। ये मतलब है समान स्कूल व्यवस्था का। क्या ये नीति जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट से एक विचार चोरी करती है, उसका नाम स्कूल कॉम्प्लेक्स है, उसको भी इन्होंने गलत ढंग से उसकी व्याख्या करके चोरी किया और उसको डाल दिया उसमें, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं, पर उसमें जो सबसे शक्तिशाली विचार था सारे बच्चों को समता मूलक शिक्षा देने के लिए समान स्कूल व्यवस्था, उसको उन्होंने छुआ तक नहीं, छुआ भी नहीं। मुझे आपको कहा था मुझे वार्न कर देंगे 20 मिनट में, उन्हीं की आपने हाँ 30 मिनट हाँ मुझे बताना था ना, मैंने देखा नहीं काम पे कितना मिनट हो गया। अच्छा फिर मुझे जी मैं समझ लेता हूँ इस बात को। इसमें इस नीति का स्पष्ट मकसद है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को का निजीकरण करवाना, तो केवल साधारण निजीकरण नहीं, उसका कॉर्पोरेटीकरण करवाना, उसको कॉर्पोरेट घरानों को सौंप देना, ये इसका मकसद है। और धीरे धीरे करेंगे, उनके पास अभी समय है कि वो 2-3 साल लगा के करवा सकते हैं, पर उसको कहना नहीं चाह रहे, बल्कि उसको छिपाने की तमाम कोशिशें हैं। तो उन्होंने पहला काम तो ये किया, उन्होंने फैसला कर दिया, लिखा है उसमें कि ये बहुत गलत बात है जो अभी तक होती रही है कि सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी व्यवस्थाओं का रेगुलेशन बहुत किया जाता है। हम रेगुलेशन नहीं करेंगे, हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, बहुत खूबसूरत शब्दावली है, हम पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं, इसलिए हम सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था खड़ी करेंगे, खुद अपने को रेगुलेट कर लो। तो उनको ऑनलाइन एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उस फॉर्मेट को खुद ही भर दो, चाहे तुम बहुत ही पैसा कमाने वाले महंगे स्कूल हो,
या कम पैसे वाले कम महंगे स्कूल हो या कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, तो अंबानी अडानी से कहा जाएगा ये फॉर्म भर दो बस तुम, इसमें तुम्हारे पास कितने टीचर हैं, किस बैकग्राउंड के हैं, कितनी क्वालिफिकेशन के हैं, कितनी फीस लेते हो नहीं लेते हो, कितने दलित बच्चे हैं कितने नहीं, हम चेकिंग नहीं करेंगे तुम्हारी। जब आपने ये कह दिया तो जितने आपने रेगुलेशन के सिस्टम बनाए थे सब अपने आप खत्म हो गए। आपने सब कहा सेल्फ रेगुलेशन होगा, इस सेल्फ रेगुलेशन में टोटल विश्वास किया केवल सरकारी व्यवस्था के ऊपर ही नहीं, उन्होंने प्राइवेट और मुनाफा कमाने वाली व्यवस्था पर भी पूरा विश्वास किया। इसमें जो खतरे हैं उस पर आप खुद सोचिए कितने बड़े खतरे हैं। तो एक खतरा जरा शायद नजर नहीं जाते, मैं आपके सामने रख दूं कि अभी चाहे कितनी खामियां हो स्कूल व्यवस्था के रेगुलेशन के सिस्टम, बहुत खामियां हैं और उसका वर्णन जितना आप कर सकते हैं उतना मैं भी कर सकता हूं, पर हम ना आप कीजिए आज ना मैं करता हूं आज, वो सारे रेगुलेशन के खामियों के बावजूद वो चूंकि सिस्टम था और है अभी भी, तो आज भी है वो सिस्टम है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके जब जरूरत पड़ती है हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। जब आपने सिस्टम ही खत्म कर दिया कि जिला शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइवेट स्कूल से भी उसी ताकत से सवाल पूछ सकता है जितना वो सरकारी स्कूल से कि तुम्हारे पास तुम्हारा बजट क्या था पिछले साल, तुम्हें कुल कितनी फीसें मिली और कुल कितना बचा सरप्लस कितना है वो सब मुझे बताओ, उनको बताना पड़ेगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी को देश के किसी भी राज्य में मना नहीं कर सकता, ये नहीं कहेगा तुम तो सरकारी स्कूल के शिक्षा अधिकारी हो हमसे सवाल मत पूछो, उनको जवाब देना पड़ेगा। जब सर तो कल वो जवाब आपका नहीं देंगे, वो कहें हमने सेल्फ रेगुलेशन का फॉर्म भर दिया, तो आप सोचिए इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है। मैं आगे बढ़ता हूं, उसमें कहा गया आपके विश्वविद्यालय के स्तर पर आ रहा हूं, उसमें कहा गया कि हम विदेशी विश्वविद्यालय आए खोलेंगे, तो कल मैं इंटरनेट पे बहुत कुछ आ रहा था, आजकल तो बहुत सारा आ रहा है नई शिक्षा नीति पर, तो उसमें किसी बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप के कोई सीईओ टाइप आदमी है, मैं नाम भूल गया उनका, कहीं विदेश में भी ऊंचे ओहदे पे रह चुके हैं, तो उनका बयान उसमें आया था, तो उन्होंने लिखा था कि विदेशी विश्वविद्यालय बहुत ही खूबसूरत विचार है, इसके आने से देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा बिना पैसा खर्च, ज्यादा पैसा खर्च किए हुए बिना अमेरिका यूरोप गए हुए यही मिलनी शुरू हो जाएगी, ये बहुत अच्छा विचार है। और फिर खुद भी कहा, पर मैं सोचता हूं क्या ये संभव होगा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय भारत में आ जाएगा, ये कल्पना मैं करूंगा एक दिन शायद हो जाए, ऐसी बातें लिखी। किसी और ने लिखा कि विदेशी विश्वविद्यालय आने से आप कल्पना कीजिए, इसका विरोध मत कीजिए, कई लोगों ने विरोध किया, उन्होंने लिखा कई लोग फजूल में विरोध कर रहे हैं, इसे आप सोचिए कितना पैसा भारतवर्ष का बच जाएगा फॉरेन करेंसी का, वो सब बाहर नहीं जाएगा यहीं पे खर्च होगा, और हमारे विद्यार्थियों को जो महंगी शिक्षा मिलती थी अमेरिका में यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में वो अब सस्ती मिलने लग जाएगी। इन सब लोगों को मैं वही कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा, अगर आप सारे पूंजीवाद के धंधों को नहीं जानते उनको नहीं समझते तो आप इसी मासूमियत में जिएंगे और ऐसे ही आप जीते रहे, हमको नहीं जीना है। तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि विदेशी विश्वविद्यालय बहुत लंबे समय से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में खुल रहे हैं, कम विकसित मुल्कों में, अफ्रीका में खुल रहे हैं, हमारे देश में भी कुछ खुलने की कोशिश की गई, बल्कि जिस भोपाल में रहता हूँ यहाँ भी खोला गया, पर उसने पार्लियामेंट के एक्ट का उल्लंघन किया था तो उसको बंद करवाया हम लोगों ने, वो अलग बात है, पर यहाँ भी चोरी छिपे खोल लिया था, जगह पे खुले हैं। उसके बारे में यूनेस्को की एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है। अब यूनेस्को एक अलग ढंग का संस्थान है, वो है तो वो भी पूंजीवाद का ही संस्थान लेकिन अलग ढंग की पहचान उससे बनाई हुई है, और उसकी रिपोर्ट का वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के विचार पर एक रिपोर्ट है, और वो लिख रही है, ये बात 2000 की रिपोर्ट है, वो लिख रही है कि ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, डिस्टिंग्विश यूनिवर्सिटीज हैं जो विकसित देशों की हैं, जो बड़ी खुशी से विकासशील देशों में और उससे भी गरीब देशों में अपने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलती हैं, जिनके जरिए वे बेहद घटिया कोर्सेज चलाती है हालांकि उनका नाम दुनिया भर में मशहूर होता है, वो समता मूलक शिक्षा कतई नहीं देती है, उनका मूल कैंपस अलग और इन देशों में खोला हुआ कैंपस बिल्कुल अलग। मैं तो पूरा विश्वास करता हूं उनके इस मूल्यांकन पर,
और ये लगता है इस नीति को लिखने वाले जो सुंदर सुंदर शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने या तो इस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, और ज्यादा संभावना यह कि बहुत पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं, वो उन्होंने पढ़ा होगा लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी इसका जिक्र करने की, नहीं तो उनका फॉरेन यूनिवर्सिटी का एजेंडा खत्म हो जाता। एक बात, एक शिक्षाविद की दृष्टि से आप देखिए, विद्यार्थी होने की दृष्टि देखिए, एक अच्छा विश्वविद्यालय आप अगर मान लीजिए हार्वर्ड को मानते हैं, मान लीजिए आप MIT को मानते हैं या कैलटेक जहां मैं पढ़ा उसको मानते हैं, ये अच्छे विश्वविद्यालय मानते हैं, तो वो अच्छे विश्वविद्यालय कैसे बनते हैं? क्या वो उनका कैंपस खड़ा कर दिया, वहां एयर कंडीशन कमरे बना दिए, वहां पे लेबोरेटरी खड़ी कर दी, सुपर कंप्यूटर दे दिया, तो बन गए क्या? वो सुविधाएं देने से क्या अच्छे बन जाते हैं? और आप देखें इन सब विश्वविद्यालयों की 125 सालों की या 150 सालों की ज्ञान सृजन, ज्ञान उत्पादन, नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज प्रोडक्शन एंड नॉलेज कम्युनिकेशन की 125 साल 150 साल की समृद्ध परंपराएं हैं और विरासत है। क्या वो विरासत और परंपराएं इस तरीके से स्थानांतरित हो जाएंगी कि आज उन्होंने बंबई में या मेरे भोपाल में या आजमगढ़ जिले में एक कैंपस खोल लिया तो क्या वहां स्थानांतरित हो जाएंगी? जरा सोचिए, ये तो परंपराएं हैं, परंपराएं कैसे स्थानांतरित होंगी? उन परंपराओं को आपको अपने देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खड़ा करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, जैसे JNU ने किया है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने काफी हद तक किया है, जिन जिन विश्वविद्यालयों ने किया उन सबको सलाम, जिन्होंने ये पंजाब के विश्वविद्यालयों ने किया है, धारवाड़ का एक विश्वविद्यालय कर्नाटक का उन्होंने किया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमारे IIT ने भी पिछले 40-50 सालों में उन ऐसी परंपराओं का विकास किया है, ऐसी विरासत उनके पास है, सभी पुरानी IIT जो 6 IIT है 50 के दशक की उनके पास है। ये जो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च जहां मैं वैज्ञानिक था, मैं जाते हैरान हो गया कि कैलटेक में जो एक समृद्ध विरासत थी विज्ञान की, विज्ञान शिक्षण और शोध की, वो हमको टाटा इंस्टीट्यूट में मिली, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के संस्थान में मिली। तो विरासत तो परंपराओं का सवाल है, वो तो हमको पैदा करनी नहीं है, वो तो आप समझते हैं कि पैसा खर्च करने से, महंगी फीस ले लेने से आ जाएगी या ज्यादा तनख्वाह दे लेने से आ जाएगी, वो आएगी जब आप ज्ञान को ज्ञान समझेंगे, ज्ञान को कारोबार नहीं समझेंगे, ज्ञान को पैसों से नहीं तोलेंगे, ज्ञान को इंसानियत से और इंसानियत की जो भूख है ज्ञान के लिए उससे आप तोलेंगे। तो इन सब विचारों के लिए कोई जगह नहीं है वहां पे, इस तरह का कोई विश्लेषण नहीं है। इसमें जो बहुत ही संदेहास्पद बात हो जाती है कि 66 पेज के डॉक्यूमेंट में आपको कहीं भी जगह नहीं मिली ये कहने की कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर जब से 1991 में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण हुआ है तब से बढ़ते क्रम में नवोदारवादी पूंजी का हमला हो रहा है, आपको कहने का आपको कोई जगह नहीं मिली। और आप ये कहे जा रहे हैं कि मार्केट से कर्ज लिया जा सकता है, मार्केट से विश्वविद्यालय कर्ज ले सकते हैं, ये तो 2016 में पहले कार्यकाल में मोदी जी ने कह दिया था कि मार्केट से कर्ज लीजिए, और कर्ज अगर मार्केट से लेने में डर लगता है तो हम आपके लिए एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA खोल रहे हैं, उससे ले लीजिए, पर कर्ज आप लीजिए। इसलिए अगर आपको 100 रुपए का अनुदान मिलता था अब 70 रुपए का देंगे, ये पहले कार्यकाल की घोषणा है, 70 रुपए का देंगे और 30 रुपए आप बैंक से मार्केट से जुटा लीजिए। उनसे पूछा था वाइस चांसलर ने कि हम गिरवी क्या रखेंगे, गिरवी तो रखना पड़ेगा ना, वो जवाब मिला है मिनिस्ट्री से कि आपका इतनी जमीन है ना, 100 एकड़ जमीन है, उसको गिरवी रख दीजिए, तो कर्ज लीजिए और गिरवी रखिए। तो हम मानते थे अभी तक विद्यार्थी जो होते हैं वो कर्ज के बोझ में झुक जाते हैं, कर्ज का बोझ ढोते हैं, फिर वापस नहीं कर पाते क्योंकि रोजगार नहीं है उसको वापस करने का, लेकिन अब तो विश्वविद्यालय और कॉलेज भी कर्जदार हो जाएंगे, उनकी जमीनें उनकी बिल्डिंगें गिरवी रखी जाएंगी, वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है, हम यहां पहुंच चुके हैं। मुझे इशारा हो गया है बात को खत्म करने का, हम इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे और लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई भारत के कॉर्पोरेट घराने लड़ेंगे क्या? ये उम्मीद है कि अंबानी अडानी लड़ लेंगे, बिरला टाटा लड़ लेंगे, आप जानते हैं नहीं लड़ेंगे इसको। क्या वाइस चांसलर लड़ेंगे? वो लड़ना चाह के भी नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनकी कुर्सी चली जाएगी। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर और उप चांसलर है, विजिटर है, वो लड़ेंगे? वो भी नहीं लड़ेंगे। अगर उम्मीद की जा सकती है वास्तव में वो युवा संगठनों से की जा सकती है, विद्यार्थी संगठनों से,
स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। पर लड़ाई आप क्या अकेले जीत लेंगे? इतनी सरल लड़ाई तो नहीं है। आपने सुनी, जब इतनी बड़े पैमाने की लड़ाई है, दुनिया के नव उदारवादी पूंजीवाद से है, दुनिया के वित्तीय पूंजी से है, जब इतनी ऊंची लड़ाई है तो केवल हम लोगों से लड़ने से नहीं जीती जाएगी। तो बहुत जरूरी है इस समय शहीद भगत सिंह के को याद कर लेना। नौजवान भारत सभा की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम विद्यार्थियों की जिम्मेदारी केवल अपने कॉलेजों में और विद्यार्थियों को जोड़कर और वहां पर साम्राज्यवाद के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर खत्म नहीं हो जाती, वो शुरुआत है। हमें अपनी लड़ाई देश के कारखानों के मजदूरों तक ले जानी पड़ेगी, खेत खलियानों के किसानों तक ले जानी पड़ेगी, कॉलेज में विद्यार्थी और युवा नहीं है उनके तक ले जानी पड़ेगी। जो हम देश के सभी युवाओं को, कारखाने के मजदूरों को, वर्किंग क्लास को, और हम खेत खलियानों के पेजेंट्री को, किसानों और खेतीर मजदूरों को भी जोड़ लेंगे, तब हम इस देश से साम्राज्यवाद को खत्म कर पाएंगे और असली आजादी ला पाएंगे। इससे कम में हम लड़ाई नहीं जीत सकते। उसकी रणनीति क्या होगी, उसके और पड़ाव क्या होंगे, लड़ाई के भी पड़ाव होते हैं, ये सब और डिटेल की बातें हैं। पर एक कॉमन बात है, कैसे भी अब लड़ें, हमें देश के आम जनों तक जाकर उनका समर्थन जीतना पड़ेगा। अगर आम जन हमारे साथ नहीं है, हम केवल अपने कैंपस में रैलियां निकाल रहे हैं, कैंपस के बाहर गेट पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पर आम जन हमारे साथ नहीं है, तो ये लड़ाई आप हारी हुई मानिए, आपने जीती नहीं है। मुझे एकदम याद आ गया, छोटा सा वाक्य याद आ गया, जब बहुत ही बदनाम किया गया था जेएनयू को, आरएसएस ने बहुत बदनाम किया था, बार बार उनको देशद्रोही बोला गया था, तो बहुत पीक भी थी सारी बात, 2015 की बात बता रहा हूँ। तो मैं दिल्ली के एक जंतर मंतर के रैली के बाद मेट्रो में बैठ के जेएनयू जा रहा था, तो वहां जेएनयू के 2-3 विद्यार्थी खड़े हुए थे, उनके पास जगह नहीं थी, कुछ और लोग भी मिडिल क्लास के खड़े हुए थे, तो उनके हाव हाव से और मेरे से कुछ बातचीत मैंने शुरू कर दी, तो उससे उन बाकी लोगों को लगा ये जरूर जेएनयू के होंगे, पढ़ा लिखा आदमी होंगे, 50 साल के होंगे। उन्होंने अंग्रेजी में उनके कहा, सो यू आर द एंटी नेशनल्स, यू आर द ट्रेटर्स, तुम हो देशद्रोही, हम देख लिया आपने, देशद्रोही भी देख लिया हमने। तो वो बेचारे सब पका गए विद्यार्थी, मैं नहीं जानता था कौन है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने खैर उनकी तरफ से चुनौती दी, और मैंने कहा आपको कैसे मालूम वो देशद्रोही है, अरे सारा मीडिया बोल रहा है, सारा मीडिया तो कह रहा है। मैंने कहा पर आपको मालूम है क्या कि मीडिया जो कहेगा मान जाएंगे, ऐसी मैंने बहस वहस की। फिर मैंने कहा कि फिर उनके उतरने की जगह आ गई, उन तीनों के वो उतर गए एक एक करके, मैं तब भी बैठा हुआ था, मेरी अभी आगे आने वाली थी, तो मैंने उनसे कहा देखिए आप बैठ जाइए मेरे बगल में, मेरी उम्र का लिहाज कीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, ये जो जेएनयू के विद्यार्थी हैं इनसे ज्यादा देशप्रेमी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इनको बदनाम जानबूझ के किया गया है क्योंकि सवाल उठा रहे थे सरकार के ऊपर, राजसत्ता को चुनौती दे रहे थे। राजसत्ता को चुनौती देना उसी तरीके से देशद्रोह माना जाता है जैसे गांधी को देशद्रोह के चार्ज में, सेडिशन के चार्ज में जेल में डाला गया, क्योंकि वो भी राजसत्ता को चुनौती दे रहे थे। शांति पड़ी, चुप हुए, उनका नहीं हमको माफ कीजिए, हमको पता नहीं था। मैंने कहा माफी मत मांगिए, जेएनयू जाइए और मिलिए जाके वहां के विद्यार्थी को, माफी मत मांगिए। तो मैं इसलिए मुझे याद आ गया वाक्य, मैं इतना ही कहूंगा मेरे दोस्तों, बाहर निकलिए कैंपस से, बाहर निकलिए। जिस तरीके से जेएनयू के विद्यार्थी और भी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, निर्भया कांड जब हुआ था तो वो अपने कैंपस से बाहर निकले दिल्ली में, मुझे पक्का मालूम है, और उन्होंने अपने पर्चे कैंपस में नहीं बांटे, पर्चे उन्होंने जाके झोपड़पट्टियों में बांटे, उन्होंने बस्तियों में बांटे। इसलिए इंडिया गेट के ऊपर लाख लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और निर्भया कांड में काफी हद तक सफलता मिली, नए कानूनों को बनाने के लिए, नए प्रावधान खड़े करने के लिए, और वो आज भी कानून लागू हो रहे हैं। तो बाहर निकलिए कैंपस के बाहर निकल के, जब तक हम अपनी बात को सरल तरीके से आम जनों को नहीं समझा पाएंगे तब तक लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। और सरल शब्दों में, सरल तरीके से दोस्तियां करके उनका दिल जीत के, दिल पहले जीतिए, दिमाग अपने आप जीत लेंगे, अगर दिल नहीं जीता तो दिमाग भी नहीं जीतेंगे। उनका दिल जीत के, उनके साथ काम करके, उनके साथ रह के, मैं भगत सिंह की बात को याद करके कह रहा हूं, उनके साथ रह के अगर हम आम जनों को अपने साथ जोड़ लेंगे, हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, बेहतर होगा हम जुड़ जाएं उनके साथ, तो ये लड़ाई जो नई, जिसका नया अखाड़ा
नई शिक्षा नीति 2020 ने खोल दिया हमारे सामने, अनेकों मोर्चे खोल दिए। हम सब मोर्चों के खिलाफ जनता के सहयोग के साथ, जनता की ताकत के साथ, उनकी चेतना के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और जरूर जीत सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आप अभी क्या करने वाले, प्रश्न आ गए क्या जी? सवाल मैं बस वही अभी एक में जरा अपना ईयर प्लग लगा दो। जी ईयर प्लग लगा दो। आपका सबसे पहले तो अनिल जी को कलेक्टर के तरफ से मैं धन्यवाद पेश करना चाहूंगा कि इतने सरलता के साथ आपने इस नीति को समझाया और इसके खिलाफ जो लड़ाई खड़ा करने की जरूरत महसूस हो रही है सभी को, उसका क्या रणनीति हो सकता है उसके तरफ भी आपने कुछ इशारे दिए। कलेक्टर के तरफ से हमारा एक नारा रहा है, आंदोलन का ही नारा रहा है, टुवर्ड्स अ फ्री यूनिवर्सिटी इन अ फ्री सोसाइटी। तो बिल्कुल ये आज जो नई शिक्षा नीति के जरिए जो हमला हो रहा है वो केवल छात्रों पर नहीं या सिर्फ शिक्षकों पर नहीं बल्कि तमाम जो मेहनतकश आवाम है इस देश की उनके ऊपर एक हमला है। सार्वजनिक शिक्षा आम जनता का एक मुद्दा है और इन मुद्दों पर जनता के बीच में जाके, जनता के साथ जुड़ के, कंधे से कंधा खड़ा होके ही छात्रों आंदोलन भी आगे बढ़ पाएगा और हमारे मांगों को पूरा किया जा सकता है। तो बिल्कुल सार्वजनिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो आंदोलन है वो छात्र आंदोलन की लड़ाई है, मजदूर आंदोलन की लड़ाई है, महिला आंदोलन की लड़ाई है, दलित आंदोलन की लड़ाई है और आम जनता की लड़ाई है बड़े कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो मनोवादी विचारधारा को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। अभी मैं सभी 400 से ऊपर दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉमेंट्स क्वेश्चन आते रह रहे हैं तो अभी हम क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। अगर और कोई साथी है जो कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे। सबसे पहले तीन सवाल आपके लिए इन नीतियों से सीधा सीधा जिसका ताल्लुक है। एक सवाल आया है कि एमफिल परीक्षा को एमफिल कोर्स को डिसकंटिन्यू करने का क्या उद्देश्य रहा है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा समझा पाए। ये कोमल शर्मा पूछ रही है। नवा किशोर पुजारी पूछ रहे हैं कि आप छठी कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल शिक्षा को सपोर्ट करते हैं या नहीं। और एक तीसरा, मुझे एक बात सुनाई पड़ रही है, पता नहीं कुछ साफ नहीं आ रही है, दोबारा बोलेंगे। पहला सवाल तो एमफिल कोर्स पे था जी। दूसरा सवाल है कि वोकेशनल लर्निंग सिक्स स्टैंडर्ड छठी कक्षा से वोकेशनल लर्निंग उसके ऊपर आपका क्या राय है। और तीसरा सवाल है कि मातृभाषा पर जोर देने वाली बात को आप किस तरीके से देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी छठी कक्षा तक, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर आप मातृभाषा वाला सवाल बता दीजिए। छठी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान होगी, इसके ऊपर आपका क्या राय है? अच्छा, ये तीन सवाल अगर आप पहले लेना चाहेंगे। तो पहला एमफिल था, दूसरा ऑनलाइन और वोकेशनल एजुकेशन पे था और तीसरा मातृभाषा छठी तक पढ़ाने की बात थी। देखिए, इन्होंने जैसे आपको पता ही है कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, इसकी पैरवी की। आपका कैमरा अगर थोड़ा नीचे कर लेंगे आपका। हाँ, अभी जी। तो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, FI यूपी की लड़ाई आप सबको याद होगी, तो वो वापस लाने के लिए इन्होंने पैरवी की है बहुत जोरदार तरीके से। और उसका मुख्य कारण ये दिया कि चूंकि अमेरिका में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट होता है, यहाँ भी होगा, तो यहाँ से जो 4 साल का कोर्स करके निकलेंगे वो समकक्ष होंगे, तो उनको वहां जाके एक्स्ट्रा 1 साल नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे उनका एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट में हो जाएगा। जैसे भारत के सभी बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं, इसलिए सबके लिए 4 साल का कोर्स कर दिया जाए, ये मुख्य तर्क है इसके पीछे। पर इसके साथ ये भी जुड़ा है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है MA का, MSc का, वो भी 1 साल का कर दिया जाए, जब ये 4 साल का होगा उसको 1 साल का कर दिया जाए और फिर MPhil कोर्स हटा दिया जाए। तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है
ये पूरी कोशिश में है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में जो सुविधाएं हैं, स्टाफ है, फैकल्टी है, प्रयोगशालाएं वगैरह हैं, वो सब कम कर दी जाए, उतना पैसा कम हो जाए वहां पे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ज्यादा तादाद में बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वहां पर तो सुविधाएं खड़ी कर दी जाए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट पे इन्वेस्टमेंट कम कर दिया जाए। और एमफिल कोर्स खत्म करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो और एमए का कोर्स जो है, एमएससी का कोर्स 2 साल की जगह 1 साल करने से उससे भी भारी फर्क पड़ जाएगा। और उस तरीके से एक पीएचडी का कोर्स होगा, जो तो ये भी कहा जा रहा है ना कि 4 साल के कोर्स के बाद भी सीधे पीएचडी में एडमिशन दिया जा सकता है। एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन को गैर प्रासंगिक बनाना और उसके साथ साथ एमफिल को भी गैर प्रासंगिक की बात होगी। तो यही मुझे समझ में आता मामला होगा कि इस तरीके से निवेश, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है ना, जो प्राइवेट पूंजी का निवेश है वो कम हो जाए और उसके बाद भी जिसको हम शिक्षा कह सके पीएचडी की मिल जाएगी और डिग्री मिल जाएगी आपको, तो इसके लिए सारी यूनिवर्सिटियां छोटी हो जाएंगी, कॉलेज छोटे हो जाएंगे जिसके कारण। तो दूसरा सवाल है ऑनलाइन और वोकेशनल एजुकेशन का। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ये तो आप सब जानते हैं और मैंने थोड़ा सा जिक्र भी कर दिया था कि ऑनलाइन शिक्षा की जो एक्सेस है, पहुंच है, वो बहुत ही सीमित है। और जो थोड़े बहुत लोग, जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मालूम चला कि मुश्किल 20% लोग हैं जिनको पूरा विश्वास है कि हम ऑनलाइन क्लासे अटेंड कर सकते हैं, 80% को विश्वास नहीं है। तो जो कर भी सकते हैं, जिनके पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, इंटरनेट एक्सेस भी है, उनके लिए भी सवाल है कि जो इतनी बड़ी तादाद में डेटा डाउनलोड किया जाएगा, उसकी कीमत चुकाने की हैसियत हमारे पास होगी या नहीं होगी, ये भी उठेगा सवाल। तो उसके कारण पहुंच बहुत सीमित है। लेकिन मैं असली सवाल जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है उसको पेश करने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री जो इतना महत्व दे रहे हैं इसको, और अब गूगल भी भारत में आ रहा है बड़े बड़े जोर शोर के साथ, और अंबानी अडानी आगे बढ़ रहे हैं इस मामले में, ढेरों कंपनियां आ रही हैं $15 बिलियन का धंधा करने। तो मान लीजिए इस सब प्रयासों से 4G और 5G की व्यवस्थाएं और फैलने लगे और झोपड़पट्टियों में भी पहुंच जाए शहरों में और गांव तक भी जाने लगे, और चलिए 100% नहीं, मान लीजिए 90%, 95% बच्चों तक पहुंच जाए, हालांकि वो संभव नहीं है भारत के वर्गों के भेद को देखते हुए, जाति भेद को देखते हुए और पितृसत्ता के कारण जो भेदभाव, उसको देखते हुए संभव ही नहीं है, पर हम कल्पना कर लें, एक आर्गुमेंट है मैं जो देने जा रहा हूं उसके कारण। मान लीजिए 100% लोगों को, 95% लोगों को ये एक्सेस मिल जाती है, तो क्या हम स्वागत करेंगे ऑनलाइन शिक्षा का? आप सबसे सवाल है, सोचिए क्या सब, अगर वो एक्सेस मिल गई तो फिर हमारा सारा विरोध खत्म हो गया ना, फिर हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हमें स्वीकार लेना चाहिए। ये तो काल्पनिक बात है, अगर इसका उत्तर है किसी का कि हाँ तब हम स्वागत कर लेंगे, तो मेरा उस साथी से कहना है कि तब मैं तो उसका तब भी विरोध करूंगा और जम के विरोध करूंगा। आज भी जितना विरोध है उससे कम नहीं होगा, क्योंकि हमें यह सवाल उठाना है कि ऑनलाइन शिक्षा क्यों दी जा रही है और कौन दे रहा है, किस पर्पज से दी जा रही है। आप सब जानते हैं ऑनलाइन शिक्षा के पीछे दुनिया का फाइनेंस कैपिटल है, वित्तीय पूंजी है, बड़ी तादाद में है। इस वित्तीय पूंजी का ये शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर और नीचे चढ़ते रहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री ने 1 मई को इस साल घोषणा की कि ऑनलाइन शिक्षा नई शिक्षा नीति का केंद्र होगा, केंद्र बिंदु होगा, उस दिन जरूर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर चढ़ गए होंगे, आप पता कर लीजिएगा, 1 मई को चढ़े या नहीं चढ़े पता कर लीजिएगा। जिस ऑनलाइन शिक्षा में जो ज्ञान है, उसका जो मूल्य है, उसके मकसद है, वो इतने बड़े पैमाने पे स्टॉक एक्सचेंज में जिसका वारा न्याला होता है, वो क्या भारत के युवाओं, बच्चों और समाज के कल्याण वाली शिक्षा देगी? उस शिक्षा का चरित्र क्या होगा, उसमें ज्ञान का, इल्म का चरित्र क्या होगा? व्हाट विल बी द कैरेक्टर ऑफ, सोशल कैरेक्टर ऑफ नॉलेज? ये सवाल जो थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र पढ़ रहे होंगे, ये सवाल ज्ञान मीमांसा का या एपिस्टेमोलॉजी का है कि ज्ञान का चरित्र उसमें क्या होगा? वो ज्ञान क्या भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास से जुड़ा हुआ होगा, जब जो भी ज्ञान हमको सोशल साइंस का दिया जाएगा? क्या वो जाति व्यवस्था के खिलाफ, जो इतना बड़ा जबरदस्त संघर्ष का इतिहास है,
सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले से लेकर पेरियार अंबेडकर तक का, अंबेडकर का जाति उन्मूलन का महान लेख जो हमारे सामने मौजूद है, क्या इस सबसे जुड़ा हुआ ज्ञान होगा वो? या विज्ञान को लेके जो विज्ञान में डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व है, द्वंद्वात्मकता है, क्या उसको उजागर करेगा? वैज्ञानिक मानस की बात हमको सिखाएगा, हमको सवाल पूछना, सवालों का जवाब ढूंढने के लिए किस तरीके के प्रयोगों को किया जाए, किस तरह की थ्योरी लाई जाए, इस सब के सिद्धांत क्या होंगे, क्या ये सब हमको पढ़ाया जाएगा? पदार्थों को समझना, भौतिक दुनिया को समझना, कारोबार में लूट कैसे होती है, अमेरिका ने कैसे लैटिन अमेरिका का खून चूसा, उसको गरीब, पूरा गरीब महाद्वीप बना दिया, या अमेरिका ने वियतनाम पे ईरान पे हमला क्यों किया, क्या ये इसके कारण हमको समझाए जाएंगे कभी? तो मेरे दोस्तों, इस सब का उत्तर ना है, क्योंकि साम्राज्यवाद से निकला हुआ जो शिक्षा का कारोबार है वो क्यों हमको उसी साम्राज्यवाद के खिलाफ तैयार करेगा, वित्तीय पूंजी और नव उदारवाद के खिलाफ तैयार करेगा? वो तो खुदकुशी होगी ना उसके लिए। Why will they commit suicide? तो ये पहली बात। दूसरा, इस नीति में बहुत जोर से कहा गया है कि पांचवी कक्षा के बाद से हम बच्चों को वोकेशनल में डाल देंगे, किसी पेशेवर शिक्षा में डाल देंगे, कोर्स में डाल देंगे। जाहिर है ये इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूलों में तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह उच्च वर्ग और जाति के लोग कभी भी इसको करने देंगे, चाहे कितना ही लिख दें अपनी कागजों में, जो भी लिखते हैं ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल व्यवस्था में कर लेंगे, वहां कर पाएंगे। केवल इसीलिए नहीं क्योंकि वहां पे हेडमास्टर उनको कह देगा, या इनको पांचवी कक्षा के परीक्षा में इनके कम नंबर आए थे इसलिए इनको कहा जाएगा तुम्हारे कम नंबर आए इसलिए तुम जाओ कोई स्किल सीख लो, कोई कौशल सीख लो, सस्ते मजदूरी कमाने वाला कौशल सीख लो। ज्यादा ऊंची मजदूरी कमानी तो फिर आपको बारहवीं कक्षा तक पढ़ना पड़ेगा, उच्च शिक्षा में जाना पड़ेगा, IIT में भर्ती होना पड़ेगा, वहां तक तो पहुंचे नहीं ना, तो छठी कक्षा में तुम कोई सस्ती मजदूरी कमाने का कौशल सीख लो, एक बढ़ई बन जाओ, वेल्डर बन जाओ, कुछ सीख लो। तो ये हुई वोकेशनल एजुकेशन। केवल यही नहीं, इसकी पूर्व तैयारी, इस नीति की पहली पूर्व तैयारी 2016 में हो चुकी है, जबकि बाल मजदूरी एक्ट को का संशोधन किया गया, और यह संशोधन किया गया जिसका मतलब यह निकला कि इस संशोधित कानून के कारण अब यह संभव हो गया है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 8-9 साल के, 6 साल के बच्चे हैं, उनसे अगर उनके माँ बाप मजदूरी करवाते हैं तो उस मजदूरी को बाल मजदूरी नहीं माना जाएगा, माँ बाप को कोई सजा नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि वो बाल मजदूरी उन पेशों में हो जो उन माँ बाप के जातिगत पेशे हो। कास्ट बेस्ड प्री ऑक्यूपेशंस में अगर माँ बाप ने डाल दिया बच्चों को, माफी होगी। तो जाति के सवाल को उन्होंने जोड़ दिया उनके पेशों से। अगर आगे की इस पूरी जिंदगी में बच्चे माँ बाप के जातिगत पेशों में लगे रहे तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उनको बेदखल करना शुरू कर दिया। जब ऐसे पेशों में पढ़ेंगे तो जाहिर है क्लास में आना कम कर देंगे, क्लास अटेंडेंस कम हो जाएगी, वो अक्सर जो छोटे मोटे टेस्ट लिए जाएंगे, जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हुआ करेगा बीच बीच में, समेटिव एग्जाम होगा जिसकी बड़ी वकालत की गई है, वह मौजूद ही नहीं होंगे, फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन में मौजूद ही नहीं होंगे, तो धीरे धीरे वो स्कूल छोड़ देंगे। बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित जातियों के SC ST OBC मुस्लिम और डीनोटिफाइड ट्राइब, इन समाजों के बच्चों की बड़े पैमाने पर जो बेदखली आज हो रही है और तेजी से बेदखली बढ़ेगी, और उसका बहाना होगा वोकेशनल एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन, कौशल विकास की शिक्षा। ये बहुत बड़े खतरे हैं। हालांकि ये नीति बार बार हमको सुनाती है देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, बार बार ये सुंदर शब्दावली हमको सुनाई जाती है, कई पेजों में सुनाई गई है, हमको ये नहीं सुननी इस तरह की शब्दावली। हमको ये बताओ, ये बच्चे जिनको तुम 11-12 साल की उम्र में कोई पेशा सिखाना शुरू कर दोगे, ये सस्ते मजदूर बनने जा रहे हैं कि इनको 12वीं कक्षा पास करके ये तय करने का मौका मिलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि वैज्ञानिक बनना है, कि वकील बनना है, कि जज बनना है, मुझे क्या बनना है, इसको फैसला करने का मौका, समता मूलक मौका मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा पेशे के एक कोर्स में जाकर? अगर नहीं मिलेगा तो हम इसको नामंजूर करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन सस्ते कौशलों को सिखाकर
बच्चों को कम उम्र में बेदखल करना शुरू करना और बाद में जब 11वीं 12वीं की उम्र के होंगे तो उनको बेदखल ही कर देना, बाहर कर देना, तब सस्ते मजदूर पैदा होंगे। और सस्ते मजदूर पैदा करना स्किल इंडिया मिशन का ये उनका मकसद है। सस्ते मजदूर पैदा करेंगे तभी बाहर की पूंजी भारत में आएगी, तभी मेक इन इंडिया होगा। मतलब बीजिंग में लगी हुई जो पूंजी है, वियतनाम में लगी पूंजी क्यों भारत आएगी? तो मुनाफा बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया होगा सस्ते मजदूर। तो सस्ते मजदूरों को बड़ी तादाद में उपलब्ध करा देना स्किल इंडिया मिशन का मकसद है, वो पैदा करेंगे। ये मजदूर चूंकि पढ़े लिखे नहीं आपके तरीके से, उन्होंने नहीं सीखा कि क्रांति क्या होती है, उन्होंने नहीं सीखा साम्राज्यवाद क्या होता है, बगावत क्या होती है, तो इन मजदूरों का दिमाग भी गुलामी मानसिकता का हो सकता है और शायद ये उस गुलामी मानसिकता के कारण विद्रोह भी नहीं करेंगे जब इनको इनका शोषण किया जाएगा, इनका खून चूसा जाएगा। फिर आपको उनके पास जाके उनको सचेत करना पड़ेगा उनके हकों के लिए। तो ये पूरी बात जुड़ी हुई है एक गुलामगिरी की शिक्षा व्यवस्था से, और ये ऑनलाइन शिक्षा करवाएगी, बड़े तादाद में बेदखल करेगी जितना आज की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर रही, और सस्ते मजदूरों को पैदा करेगी और उनका खूब शोषण आज की पूंजीवादी व्यवस्था करेगी, यहां पर पूंजी लगाकर। और आखिरी बात है इंसान विरोधी शिक्षा, इंसानियत को खत्म करने की या डिह्यूमनाइजेशन की शिक्षा। जब इंसान को ही खत्म कर दिया, इंसान की एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी को आपने कक्षाओं से बाहर कर दिया, पहली कक्षा से लेकर या अर्ली चाइल्डहुड केयर की प्रूफ प्राथमिक शिक्षाओं से लेकर ऊपर तक की सभी कक्षाओं से बाहर कर दिया और विद्यार्थियों के आपस के इंटरेक्शन को या तो न्यूनतम कर दिया या जीरो कर दिया, विद्यार्थी भी आपस में इंटरेक्शन नहीं कर, वो कभी क्लास में जाएंगे तो मिलेंगे ना, हॉस्टल में रहेंगे तो एक दूसरे के दोस्त बनेंगे, तो एक दूसरे के दुख दर्द जानेंगे। और इससे हमेशा आरएसएस बीजेपी की सरकार घबराती रही है, हॉस्टलों से भी, वो जेएनयू के हॉस्टलों से बहुत घबराती है, वहां इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के पृष्ठभूमि को समझते हैं, तो इकट्ठे होते हैं और प्रदर्शन पर बैठकर पुलिस की लाठियां भी खाते हैं हॉस्टलों से। इसलिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बीजेपी काल में ये कह दिया था कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं जो कन्हैया कुमार और रोहित विमुला जैसे विद्यार्थी कभी पैदा नहीं करेगी। वही नई शिक्षा नीति उनका वो दस्तावेज है जो आपको बता रहा है वो कैसे तैयार करेंगे, तो पूरा बता रहा है। तो वो स्किल इंडिया मिशन से तैयार करेंगे, ऑनलाइन शिक्षा से इंसान को ही बाहर कर देंगे, विद्यार्थियों को भी बाहर कर देंगे और शिक्षकों को भी बाहर कर देंगे। वहां पे वैसे प्रोफेसर भी नहीं होंगे जो आपके साथ इंटरेक्शन करके, आपके सवालों को समझ के, सपनों को समझ के, आपके गुस्से आक्रोश को जानकर उस ढंग से आपको पढ़ाएंगे, कहेंगे आज उस किताब को खोल के पढ़ लो, उस किताब को खोल के पढ़ लो, वो होंगे ही नहीं आपके सामने। ऑनलाइन शिक्षा में अमेरिका में तैयार किया हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक लेक्चर आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेक्चर आप सुन लीजिएगा और आपका चैप्टर पूरा हो गया। ये है ऑनलाइन शिक्षा डिह्यूमनाइजेशन की, और इससे कैसा समाज बनेगा, कैसा देश बनेगा, वो ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल लिख चुके हैं, वो लिख चुके हैं। एक ऐसा दौर आएगा दुनिया में, वो दौर अब आना शुरू हो गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काफी होगी, आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट बनेंगे, रोबोट और रोबोट बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन बनाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी। तो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आपके जो आपने एल्गोरिथम लिखना सीखा, आपने जो ज्ञान पाया कैसे कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाएगी। ये नीति बोलती है, नीति कहती है दूसरे सफे पर, दूसरे पेज पे इंट्रोडक्शन का जब बात, जो अगला पेज है उस पे, या इंट्रोडक्शन के पहले पेज पे कहती है कि जो नया युग इक्कीसवीं सदी का आ गया है वो बड़ी तादाद में जो कम कौशलों वाले पेशे हैं जिनमें कौशल कम लगता है उनको तो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देगी और रोबोट चलाएंगे, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बड़े पैमाने पर सेमी स्किल्ड लेबर जो होगी या अनस्किल्ड लेबर जो होगी वो बेरोजगार हो जाएगी, ये लिखा है इसमें। और फिर ये लिखती है लेकिन एक दूसरे ढंग की, नए ढंग की स्किल लेबर की बहुत जरूरत होगी जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज वाला होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पैदा करेगा, ऐसा भी हमको चाहिए होगा। और जो आज की नई समस्याएं हैं, जो जिस तरह के आज नए हथियार बन रहे हैं हमारे यहाँ, जिस तरह से आज की नई समस्याएं अर्बनाइजेशन से आ रही हैं, इनका सामना करने के लिए नए ढंग के सोशल साइंटिस्ट की जरूरत होगी, ये हमको बहुत जरूरी होगी। तो एक नई स्किल लेबर की जो ज्यादा तनख्वाह कमाने वाली होगी,
उसकी बहुत जरूरत होगी, बाकी काम तो रोबोट कर लेंगे। पर ये नहीं बताती है इतनी बड़ी तादाद में जो बेदखली होगी और बेरोजगारी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी, तो वो समाज में तो अस्थिरता लाएगी, समाज में तो हताशा लाएगी, समाज में जो दिशाहीनता लाएगी, उसका सामना कैसा किया जाएगा, इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं है 66 पेज की रिपोर्ट में, उसका जवाब नहीं इनके पास। तो हमको कहीं सारा सवाल उठाना है ना। आज अगर हमको मालूम चल गया ये सब होने वाला है, इसको रोकने के लिए हमको क्या करना है? हम क्या ऑनलाइन शिक्षा लाके उसी दिशा में और बढ़ जाएंगे और बढ़ा देंगे? तो अगर हमको ज्ञान का होमोजनाइजेशन होना, एक रूपीकरण होना, ज्ञान को उसके सभी ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजनीतिक संदर्भों से काट देना, और ज्ञान ऐसा जो कि बेदखल करता है विद्यार्थियों को, शिक्षा से बाहर निकाल देता है और सस्ते मजदूर बनाता है, और ज्ञान जो इंसानियत का खात्मा कर देता है, ऐसे ज्ञान के खिलाफ भी हमको आवाज उठानी है। ये सब बड़े सवाल है। किसी ने मुझे अभी कह दिया था एक वेबिनार में, ये जो टेक्निकल सवाल है, अरे भाई ये टेक्निकल सवाल है तो राजनीतिक सवाल कौन से है मुझे बता दीजिए, इससे बड़े कोई राजनीतिक सवाल आप सोचेंगे? आप ये टेक्निकल सवाल कह के आप घबरा गए, शायद वो प्रोफेसर साहब इन्होंने कहा आप घबरा गए, क्योंकि आपने देखा कि ज्ञान की राजनीति इतनी गहरी और इतनी गंभीर है, हमारे सामने खड़ी हुई है ज्ञान की राजनीति, तो इसे बचा कैसे जाए? कहते हो टेक्निकल मामले एक तरफ कर दो। तो मेरे दोस्तों मैंने ये जवाब दे दिया, मातृभाषा बहुत उलझा हुआ सवाल है मेरे दोस्त। पहली बात तो हम समझ लें कि ये कह क्या रही है, नीति क्या कह रही है, इसकी बाकी उलझन अलग से। ये कह रही है कि हम छठी कक्षा तक या तो आपके घर और गांव में या झोपड़पट्टी में जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ा देंगे, या फिर मातृभाषा में पढ़ा देंगे। अगर आप इससे भी कहीं बाहर वाले इलाके में रहते हैं तो वहां पे उस राज्य में जो भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तो कन्नड़ पढ़ा देंगे। और ये छठी कक्षा तक तो, पांचवी कक्षा, उन्होंने लिखा पांचवी कक्षा तक तो जरूर पढ़ाया जाए, उसके बाद जो अपर प्राइमरी है छठी से आठवीं उसमें अच्छा होगा कि बेहतर होगा वहां भी पढ़ाया जाए, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी शब्द दिया बियॉन्ड और चुप, फुल स्टॉप लगा दिया, बियॉन्ड के बाद कुछ नहीं कहा, अचानक चुप हो गए। उन्होंने कहीं नहीं बताया कि इसके बाद अंग्रेजी शुरू कर देंगे या नहीं करेंगे, ना बताया अंग्रेजी शुरू करेंगे ना बताया नहीं करेंगे। यह इस रिपोर्ट की खासियत है, चीजों को उलझाकर अस्पष्ट मोड़ पे पहुंचाकर छोड़ देना, एम्बिग्यूटी में छोड़ देना। उसमें अनेकों बातें एम्बिग्यूटी में, अस्पष्टता में, बिना सफाई किए हुए छोड़ दी गई हैं। उनमें से एक ये मिसाल है उसकी। और छोड़ के बोलते हैं ये कह के कि उसके बाद भी हो, संभव हो तो हो। फिर वो ये कहते हैं कि अगर ये पढ़ाते हुए मातृभाषा या गांव की भाषा में लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें तैयार नहीं हुई है, कोशिश तो हम करेंगे पर अगर तैयार नहीं हुई है और शिक्षा का माध्यम कुछ और है, ये नहीं है, तो फिर पूरी कोशिश की जाएगी इन दोनों के बीच में जो खाई है उसको पाट दिया जाए। अरे वाह, अभी तो आप कह रहे थे कि उसमें मातृभाषा में पढ़ाया जाए, फिर अचानक करेंगे अगर शिक्षा का माध्यम कुछ और है, किताबें किसी और भाषा में है, तो हम खाई पाटेंगे। इसका मतलब शिक्षा का माध्यम कुछ और होने वाला है पांचवी के बाद, वो कौन होगा? वो अंग्रेजी होगा, जाहिर है। आप कह नहीं रहे, कहते वो डर रहे हैं कहीं आर एस एस नाराज हो जाए सरकार से, इसलिए आपने कहा नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी ही लाएंगे, ये पक्की बात है, आप मातृभाषा में नहीं पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद वो एक और वाक्य कहते हैं, वो वाक्य आप पढ़िएगा, उसी पैराग्राफ में है, वो कहता है कि अगर कोई भाषा शिक्षा का माध्यम, एजुकेशन का मीडियम नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको बच्चे सीख नहीं सकते, तो भी सीख सकते हैं। इसका मतलब आपने तय कर लिया है कि आप मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाने वाले हैं, माध्यम कुछ और होगा, और आप उनके उनकी अपनी मातृभाषा को सिखाते जाएंगे भाषा के रूप में। ये साफ उनका स्टैंड है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी में क्या होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होगा, ये तो कहीं लिखा हुआ दिखता ही नहीं है, खत्म बात हो गई है, बात ही खत्म हो गई है। तो जाहिर है सब कुछ अंग्रेजी में होगा, मातृभाषाएं तमाशे के लिए है, वो तमाशा ही करेंगी। क्लासिकल लैंग्वेजेस वो आप जरूर समझ लीजिए, उसमें तो बहुत भारी पॉलिटिक्स की गई है। उन्होंने कहा कि संस्कृत दुनिया की इतनी पुरानी भाषा है, इतनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, उसमें दुनिया भर का ज्ञान हर विषय में, सारे विषयों की सूची बना दी, एरोस्पेस भी है, सब कुछ है, उसमें सब कुछ डाल दिया, सब कुछ है। ये कह के कहते हैं इसलिए
संस्कृत पढ़ाने के विकल्प, उसकी संभावनाएं किंडरगार्टन से लेके उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर खोली जाएंगी, संभावनाएं हर जगह रहेंगे। आप नहीं लेना चाहते तो शायद जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर इसकी संभावनाएं सब जगह रहेंगी। उसके शिक्षक अपॉइंटेड रहेंगे, पढ़ाने के तौर तरीके उन्होंने लिख दिए हैं, संस्कृत थ्रू संस्कृत ये भी लिख दिया उन्होंने, STS लिख दिया है, ये उसके द्वारा एक नई टेक्निक है संस्कृत के जरिए संस्कृत सीखना, सब उन्होंने बता दिया है। ये सब होगा कि और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, केवल संस्कृत नहीं है, वो तमिल है, तेलुगु है, पुरानी कन्नड़ है, पाली है, प्राकृत है, पाली जिसमें सारा बौद्ध साहित्य लिखा गया वो भी है, ये तमाम और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। इसके ऑप्शन पढ़ाने के कहीं भी नहीं रहेंगे, इसके लिए क्या होगा, ये विरासत होगी अगली पीढ़ी की, अगली पीढ़ी की ये विरासत होगी, पढ़ाई नहीं जाएंगी, पढ़ाई तो केवल संस्कृत जाएगी, अगली पीढ़ी की विरासत होगी, और इसको हम डिजिटल मोड में स्टोर करके रख देंगे अगली पीढ़ी के लिए, ताकि अगली पीढ़ी में जब भारत एक विकसित देश हो जाएगा तब हमारे युवा जान पाएंगे कि भारत की तमाम क्लासिकल लैंग्वेज में कितना समृद्ध ज्ञान था, उसके लिए अब नहीं पढ़ा भी नहीं पढ़ाएंगे। और इससे एक साफ संदेश दिया, हम वो क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत पढ़ा रहे हैं जिसमें ब्राह्मणवाद की जड़ें हैं और ब्राह्मणवादी ज्ञान है, बस वो पढ़ाई जाएगी। और चूंकि तमिल में ब्राह्मणवाद के खिलाफ वाला ज्ञान है, तमिल के क्लासिकल तमिल में उसमें थिरुवल्लुवार का ज्ञान है, वो नहीं पढ़ाया जाएगा, साफ है। इसीलिए पहले पेज पे इंट्रोडक्शन में जब उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में कितना समृद्ध ज्ञान रहा है प्राचीन भारत में, तो उसमें तमाम उन्होंने नाम लिए हैं, तमाम ग्रंथों के भी नाम लिए हैं, तो कहीं भी उन्होंने चार्वाक और लोकायत का नाम नहीं लिया। तो चार्वाक और लोकायत मटेरियलिस्ट फिलॉसफी से आए थे, भौतिकवादी दर्शन से निकल के आए थे, उसका उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने बुद्ध तत्व का नाम नहीं लिया, महावीर का नाम नहीं लिया, जो बुद्ध महावीर जाति व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे थे, वो भेदभाव पे सवाल खड़ा कर रहे थे, बुद्ध से भी घबरा गए, महावीर से भी घबरा गए, और बुद्ध से ज्यादा घबराते हैं। बुद्ध कहता है तब तक उस ज्ञान को मत स्वीकारो, उस बात को मत स्वीकारो जब तक तुमने सवाल पूछ के अपने को संतुष्ट नहीं कर लिया कि वो सच है, तब तक वो सच नहीं मानो, कर सकते हैं। हालांकि ये नीति मेरे ख्याल से कम 5 दर्जन बार क्रिटिकल थिंकिंग लिख चुकी होगी, आप गिनिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चनिंग ये 5 दर्जन बार लिख चुकी होगी, किंडरगार्टन से लेकर उच्च शिक्षा तक। तो बुद्ध को बुद्ध का नाम लेने का, महावीर नाम लेने का कि हिम्मत नहीं है उनमें, भगत सिंह का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब वो थे जो सवाल उठाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, और इसलिए चार्वाक और लोकायत से भी घबरा गए, उसका नाम भी नहीं लिखा। बताइए और सवाल। मातृभाषा पे कुछ और पूछना है क्या? नहीं, अगले मतलब कई सवाल आते रह रहे हैं, तो उनमें से कुछ सवाल तो शायद आपके बात में भी आपने एड्रेस कर ही दिया। कुछ सवाल आए थे प्योनी और प्रणव से, जो पूछ रहे थे कि आप मनुवादीकरण के एस्पेक्ट पर भी थोड़ा बात रखिए। और अनुमेहा यादव का एक सवाल कमेंट था कि जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पे आश्रमशाला को खोल के वहां पे स्किलिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? शायद आपने जिस तरीके से समझाया कि जाति और जातिवाद और पूंजीवाद जिस तरीके से मिला हुआ है पूरे नई शिक्षा नीति में, उसी कड़ी में शायद हम इसको देख सकते हैं। और क्योंकि आज हम 1 अगस्त को ये सभा भी चला रहे हैं, आज महान क्रांतिकारी लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे कॉमरेड अन्नाभाऊ साठे का जन्म शताब्दी भी है, तो जिस मानवता की बात हम आप आज रखे और जातीय आंदोलन की जो आप बात रखे वो भी आज हम याद करते हैं। दो और सवाल अगर एक साथ आप लेंगे, एक सवाल आया है मनोज कुमार जी से, जो पूछते हैं कि तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा नई शिक्षा नीति में लिखा गया है। नहीं, ये सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा नई शिक्षा नीति कहती है, ये कितना कारगर है? तो ये है मनोज जी का सवाल।
और दूसरा सवाल है रियंका साहा जी से कि आपका क्या राय है कि स्कूल बोर्ड एग्जाम या माध्यमिक परीक्षा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, इस पे आपका क्या राय है? ये दो सवाल अगर एक साथ ले लेंगे आप। समझ गया। मैं तो उल्टा शुरू करता हूँ बोर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी से, वो एकदम सीधे आप लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। वो ये है कि बोर्ड की परीक्षा पर नहीं, इन्होंने कैसे आकलन किया जाए आपके ज्ञान का, उसका भी असेसमेंट कैसे किया जाए। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शब्दावली लिखी, बहुत ही खूबसूरत, मन लुभाने वाली, कोई भी पढ़ के लट्टू हो जाएगा कि इतनी सुंदर बात लिखी है परीक्षा के बारे में। बोर्ड में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाएगी, उन्होंने बोला अगर आपका मन करता है कि गणित का जो मुश्किल वाला कोर्स है ए लेवल का वो नहीं पढ़ना तो बी लेवल पढ़ लीजिए, आप साहित्य का ए लेवल का पढ़ लीजिए, गणित का बी लेवल का पढ़ लीजिए, हम सब आपको इजाजत दे देंगे, पर आपके सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा ना ये। पर उन्होंने क्या कहीं ये लिखा है कि जिस तरीके के ऑल इंडिया लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो नहीं लिए जाएंगे, एंट्रेंस का कोई और रास्ता ढूंढा जाएगा, जवाब नहीं लिखा। मैंने भी जब उनका पढ़ा कि कोचिंग क्लासेस का मामला बहुत ही गलत है, के खिलाफ एक विचार है, कोचिंग क्लासेस को खत्म करने के लिए हम परीक्षाएं इतनी सरल कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, ये सब इसलिए कोचिंग क्लासेस खत्म हो जाए। उन्होंने लिखा भी कई जगह पे इस तरीके की परीक्षा के लिए आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होगी, अगर आपने पढ़ाई के दौरान ये चीजें कर ली हैं तो आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। तो बड़ी अच्छी बातें लिख रहे हैं, पर क्या उन्होंने ये भी लिखा कि कोचिंग जो मुख्यतः एंट्रेंस एग्जामिनेशन के समय जाग जाती है और खूब होती है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से मुक्त कर देंगे शिक्षा को? ये नहीं लिखा। ये कैसे लिख सकते हैं? जिस सरकार के द्वारा शिक्षा नीति बनाई गई है उसे अपने पहले कार्यकाल में मेडिकल एग्जामिनेशन के एंट्रेंस को ऑल इंडिया नीट में बदल दिया था पहले कार्यकाल में, और जबकि तब तक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल के नहीं होते थे, नीट जैसी परीक्षाएं नहीं होती थी, बहुत सारी परीक्षाएं राज्य स्तर की होती थी, राज्य सरकारें जो कि समवर्ती सूची में शिक्षा, इसलिए राज्य सरकारों के पास हक था संविधान में अपनी शिक्षा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने का, अपने अपने ढंग से होती थी। अचानक ऑल इंडिया लेवल का की बात आ गई, कहा गया इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, इससे विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेंगी, कितना बढ़िया हो जाएगा। ये सारा सवाल मेरे दोस्तों इन मिडिल क्लास को ध्यान में रख के उठाए गए थे, उसका उत्तर मिला ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। आपको याद होगा अनिका नाम की लड़की ने इसी सिलसिले में 17 साल की उम्र में आत्महत्या की थी, और अनिता 12वीं कक्षा की स्टूडेंट थी तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड की, और उसके बहुत अच्छे नंबर आए, उसके कोई 98-99% के करीब नंबर आए, उसको विश्वास था क्योंकि वहां पर तब तक तो कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था, 22 मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज, उनकी उनमें एडमिशंस मेरिट लिस्ट बना के होती थी जो बोर्ड की मेरिट लिस्ट है तो उसमें वो आ जाती। अचानक पता चला राज्य सरकार के पास ही बचाई नहीं कुछ मामला, सब केंद्र का हो गया और नीट की परीक्षा होगी, उसके खिलाफ पिटीशन भी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन उठा के फेंक दी, तो अंत में तय हो गया। जब पता चला कि ये परीक्षा अब होगी ही, जब ये होगी तो अंग्रेजी में होगी, तमिल में नहीं होगी, और उसमें वो लड़की आगे नहीं पहुंच पाएगी जिसके पास विज्ञान का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, लेकिन तमिल में है, अंग्रेजी में नहीं है, तो उसने खुदकुशी की। उसने इसी लड़ाई के दौरान एक बड़ी जबरदस्त बात कही, उसने ये कहा ये कौन है सत्ता में बैठा हुआ जो हमको बेवकूफ बना रहा है ये कह के कि सारे देश में एक रूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाने से मेडिकल परीक्षा में बराबरी आ जाएगी, जबकि हमारी सारी स्कूल व्यवस्था गैर बराबरी और भेदभाव पर टिकी हुई है। गजब का बयान है 17 साल की लड़की, जबकि सारी स्कूल व्यवस्था गैर बराबरी और भेदभाव पर है, आप करें केवल एक परीक्षा एक रूपी करने से, स्टैंडर्डाइजेशन करने से अब बराबरी आ जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा।
चुनौती दी है उसने। आज नहीं तो किसी दिन अनीता का ये जो वाक्य है ये शायद एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के बिल्डिंग के बाहर लिखा जाएगा शिलालेख के ऊपर, हमको याद दिलाने के लिए कि सच्चाई क्या है हमारे देश की। तो ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। जब नीट की परीक्षा ऑल इंडिया होती रहेगी, आईआईटी की ऑल इंडिया परीक्षा होती रहेगी, तो कोचिंग कैसे बंद होगी मुझे बताइए? और कोचिंग का फायदा वही उठाएंगे जो उच्च वर्ग उच्च जातियों के होंगे, चाहिए। एक दलित बच्चा, एक खेतीहर मजदूर का बच्चा कैसे उठा सकता है कोई भी कोचिंग का लाभ? अगर लाभ मिलता है कोई तो वो कैसे मिल सकता है उसको? वनिता के तरीके से ही खुदकुशी कर सकते हैं तो कोई लाभ नहीं उठा सकते कोचिंग का। तो उसको खत्म करने का जीरो एजेंडा है इस नीति में, जीरो। चाहे कितनी सुंदर सुंदर बातें, परीक्षा कैसे ली जाए, मानदंड कैसे हो परीक्षाओं के, वो सब फजूल की बातें हैं। अगर ये नहीं है, एंटर एग्जामिनेशन आपने खत्म नहीं किए तो कुछ नहीं खत्म किया आपने। मैं परीक्षाओं से आगे बढ़ रहा हूं। तकनीकी कारगर होगी कि नहीं होगी, ये जवाब मैं दे चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि ये जो ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी है, ये शिक्षा का एक रूपीकरण होमोजेनाइजेशन करेगी, क्योंकि होमोजेनाइजेशन ऑनलाइन शिक्षा का में निवेश को कम कर देता है, मुनाफा बढ़ा देता है कंपनी का। एक फिजिक्स का, एक हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक लेक्चर बना, फिजिक्स का एक लेक्चर बना, वो अमेरिका में किसी कंपनी ने बनाया और सारे हिंदुस्तान में सबको सुना दिया। पैसा कम लगा ना। अगर उसको हर एक प्रांत के, अगर आजादी का इतिहास लिखना है तो कर्नाटक में कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, मेघालय में और नागालैंड में कैसी लड़ी गई, पंजाब में कैसी लड़ी गई, हर एक की आजादी का इतिहास अलग अलग बनाना है तो उनको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत महंगा पड़ेगा उनको। कहीं हम तो पूरे भारत का वो इतिहास पढ़ा देंगे जो राजसत्ता ने हमको दिया लिख के, और वो चलेगा तो सस्ता होगा, मुनाफा बढ़ जाएगा। ये सिद्धांत है, जितना होमोजेनाइजेशन होगा उतना बढ़ता है, ये बाजार का सिद्धांत है, इसका पालन करेंगे और वो ह्यूमन बीइंग तो रहेगा नहीं, इंसान खत्म हो जाएगा। मैं तीनों जवाब दे चुका हूं। सस्ते मजदूर बनाना, इंसानियत के खात्मे का की नॉलेज, और एक रूपी नॉलेज जो सारे संदर्भों से काट के दी जाएगी, और वो कैसा कैसी नॉलेज होगी वो एक कॉर्पोरेट पूंजी अपने मुनाफे को देख के तय करेगी, और साम्राज्यवाद के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं बन जाएगी। आप क्या समझते हैं, नस्लवाद के खिलाफ जाएगी? अमेरिका के नस्लवाद के खिलाफ चली गई तो साम्राज्यवाद की चूल्हे हिलने लग जाएंगी, ये सब नहीं संभव होगा। अब बात आई है आश्रमशालाओं के, शेड्यूल ट्राइब इलाकों में आदिवासी आश्रमशालाओं, उस पर लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा कि आश्रमशालाओं में अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी जो मेरिटोरियस छात्र होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी मैंने कल ही पढ़ी, जो प्रतिभाशाली यानी उनकी अंग्रेजी में मेरिटोरियस छात्र होंगे उनकी फीस माफ कर दी जाएगी। मेरे दिमाग में कई सवाल इकट्ठे उठ गए इतना वाक्य पढ़ के। अभी तो आपने कहीं कहा था कि सरकारी स्कूलों में फीस होगी ही नहीं, और राइट ऑफ फ्री एंड कंप्लसरी एजुकेशन बिल्को इस हद तक माना जाएगा कि फीस नहीं ली जाएगी। अगर स्कूल में फीस नहीं होगी तो मेरिटोरियस छात्र की फीस माफ करने का सवाल क्यों उठाया? इसका मतलब जरूर दाल में कुछ कारा, कहीं ना कहीं फीस ली जाएगी। ये लिख रहे हैं कि फीस नहीं ली जाएगी, मुफ्त में शिक्षा होगी लेकिन फीस ली जाएगी। अभी मुझे मालूम नहीं, आप भी पता कीजिए कहां पे वो नुस्खा है फीस माफ करने का या मुफ्त करने का। वो फीस ली जाएगी, मेरिटोरियस की माफ हो जाएगी। अब ये मेरिटोरियस क्या बला है भाई? जिसके परीक्षा में, सरकारी परीक्षा में और ऑनलाइन परीक्षा में नंबर अच्छे आएंगे वो मेरिटोरियस हो गया, और कोई परिभाषा थोड़ी ना, जिसकी परीक्षा में अच्छे नंबर आए। और परीक्षा कौन बनाएगा? राजसत्ता के हिसाब से बनती है, राजसत्ता के हुक्म को मानने वाले लोगों के हिसाब से बनती है, और अब कॉर्पोरेट पूंजी के हिसाब से बनेगी। उसमें आपके नंबर अच्छे आ गए तो मेरिटोरियस हो गए, यानी जिन प्रिविलेजेस और सुविधाओं को पाके उच्च वर्गों उच्च जातियों की आप तथाकथित मेरिटोरियस हो जाते हैं, वो आपने तथाकथित मेरिट पा ली तो आपकी फीस माफ हो जाएगी। ये बात उन्होंने और जगह भी लिखी है कि मेरिटोरियस टीचर ढूंढे जाएंगे ग्रामीण इलाकों में, ऐसे मेरिटोरियस टीचर पाए जाएंगे जो वास्तव में मेरिटोरियस है उनके हिसाब से, और उनको विशेष प्रकार के हाई लेवल के टीचर एजुकेशन कोर्सेज दिए जाएंगे, उनको ऊंचे दर्जे का टीचर बनाया जाएगा। तो जो ऐसा टीचर होगा वो अपने समाज से कट चुका होगा, और जरूर वो जाति व्यवस्था के पक्ष में होगा, वर्ण व्यवस्था के पक्ष में होगा, और वो चाहे शेड्यूल कास्ट का क्यों ना हो, शेड्यूल ट्राइब का क्यों नहीं हो, तो भी जाति व्यवस्था के पक्ष में होगा, वो एनी रिलेशन ऑफ कास्ट को नहीं मानता होगा। तो ये सब चीजें निहित है इस तरह के कामों में जब आप मेरिट की बात करने लगते हैं, और आप ये बात करते हैं कि मेरिट की परिभाषा भी आप ही दे रहे हैं
तो आप सब जानते हैं ये मेरिट कुछ नहीं है सिवाय एक प्रिविलेज है, और प्रिविलेज बनी रहेगी नई शिक्षा नीति में भी, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अब जो सबसे मुश्किल सवाल मानवाधिकरण का, मैं उसके और कई जगह इशारा कर चुका हूं, पर साफ बात कहने की जरूरत है कि आज बिना इस नीति के आए हुए जो बहुजन है देश के दी है, तो ये बहुजन जो पहली कक्षा में दाखिला लेते हैं उनमें से 90% बहुजन बच्चे 12वीं कक्षा के पहले धकेल कर बाहर कर दिए जाते हैं अलग अलग वजहों से। वो ड्रॉपआउट नहीं होते हैं, ड्रॉपआउट तो वो होता है ना अपनी खुशी से छोड़ के बाहर निकल जाता है, वो ड्रॉपआउट नहीं है, वो पुश आउट है। स्कूल के हालात, शिक्षकों का माहौल, स्कूल का माहौल, परीक्षाओं के तरीके, टेक्स्ट बुक के कैरेक्टर सब ऐसे थे कि इन बच्चे बच्चों के लिए असहज हो गया वहां पे रहना, हालात ऐसे बने उनको छोड़ना पड़ा। ये पुश आउट है, 90% से ज्यादा बच्चे पुश आउट होते हैं 12वीं कक्षा के पहले, यानी 10% से कम बहुजन बच्चे 12वीं कक्षा को पार करते हैं और उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए एलिजिबल बन पाते हैं। इसका यह भी मतलब है कि 10% से कम बहुजन बच्चे एससी एसटी ओबीसी डीनोटिफाइड ट्राइब मुस्लिम कभी भी सामाजिक न्याय के एजेंडे के हकदार बने हैं, कभी भी नहीं, इससे ज्यादा नहीं बन पाए। केवल 10% है उससे कम बच्चे सामाजिक न्याय के हकदार आज तक बने हैं, उससे ही घबराया हुआ है पूरा उच्च वर्ग, उच्च जातियों का पूरा समाज घबराया हुआ है। 10% से कम हकदार बने हैं, उनको न्याय का एजेंडा मिला नहीं मिला सामाजिक न्याय का, वो तो आगे अगला सवाल है। बिना उनको हकदार बने ही सारा उच्च जाति का समाज घबराया हुआ है उनसे, उनके खिलाफ इंडिया गेट के आसपास मोमबत्ती लेके घेर वो चक्कर लगाता रहता है। इस हालत में हम हैं। काश अगर 20-25% निकलने लगते 12वीं कक्षा से पार होने लगते तो क्या हाल होते इनके, अब सोचिए, तब इनका कंपटीशन बढ़ जाता, तब वो मेरिट में नहीं आ पाते, तब उनको ये नई शिक्षा नीति की स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, उनकी फीस माफी भी नहीं होती, ये मेरिट वाला मामला ही खत्म हो जाता ना अगर बड़ी तादाद में बहुजनों के बच्चे निकलने लगते हैं 12वीं के पार। इसलिए 12वीं के पार कितने पार होते हैं ये पॉलिटिकल सवाल कभी बनने ही नहीं दिया गया है, आरक्षण बनता है पॉलिटिकल सवाल, बनना चाहिए, माना मैंने बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन वो दिन कब आएगा जब राजनीतिक दल ये सवाल उठाएंगे कि आरक्षण केवल 10% उससे कम को मिलेगा या 100% को मिलेगा। ये सवाल वो नहीं उठाएंगे कि 100% आरक्षण तब होगा जब एक समान स्कूल व्यवस्था कायम होगी जो सब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगी, उसमें गैर बराबरी और भेदभाव के सवाल जीरो हो जाएंगे। उनके शिक्षकों का भी ट्रेनिंग इस प्रकार से होगा कि वो जाति व्यवस्था को भी समझने लगेंगे, मनुवाद भी पढ़ चुके समझ चुके होंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कक्षाओं में उठाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, उस जाति के बच्चों को भी समझाएंगे। ये बात तो पॉलो फ्रे ने बहुत सुंदर लिखी है कि जो वर्ग और जो जाति शासन करती है, खून चूसती है, शोषण करती है, वो उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है। इसलिए जो क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, जो क्रांतिकारी होते हैं, वो मुक्ति की लड़ाई लड़ते हुए जिन लोगों की इंसानियत खत्म हो गई है उच्च वर्गों उच्च जातियों की, उनकी इंसानियत वापस लेने का लाने का भी काम करते हैं, उनको इंसान बनाने का काम भी करते हैं, तो उनको इंसान बनाने का काम भी बचा हुआ है अभी। तो मैं आपसे कुल मिला के ये कह रहा हूं कि इतने बड़े तादाद में जब जाति के आधार पर, वर्गों के आधार पर बेदखली हो रही है, उसमें पितृसत्ता का सवाल भी है। अगर केवल 8% दलित 12वीं कक्षा पार करते हैं तो फिर ये सवाल भी उठेगा कितनी दलित लड़कियां 12वीं पार करती हैं, तो उनका उनका जो प्रतिशत होगा वो 12-15% को छुएगा। तो पितृसत्ता का सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जाति का सवाल महत्वपूर्ण है। तो पितृसत्ता के खिलाफ जो शिक्षा होगी, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ होगी, वर्ग व्यवस्था के खिलाफ होगी, जो विकलांगता का मजाक उड़ाने वाली शिक्षा होगी उसके भी खिलाफ होगी, जो ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी उसके निर्माण करने की ताकत इस नई शिक्षा नीति में नहीं है, उस तरह का नजरिया नहीं है, उस तरह का दर्शन इसके पास नहीं है। न पिछली शिक्षा जो आज की शिक्षा व्यवस्था के पास था, न इसके पास है। ये शिक्षा व्यवस्था भी बड़ी तादाद में बेदखली करेगी,
और नई बात केवल यह होगी ये बेदखली वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर होगी, ये बेदखली सस्ती मजदूरों के कौशल वाले मजदूरों को तैयार करने के लिए होगी, सस्ते मजदूरों की तैयारी होगी और वो बेदखली ऐसे मजदूरों को तैयार करेगी जो सस्ते मजदूरों के भी होंगे और गुलामगिरी के लिए भी तैयार कर दिए गए होंगे। मुक्ति वाली मुक्ति मुक्तिकामी शिक्षा व्यवस्था ये नहीं है। मुक्तिकामी शिक्षा व्यवस्था के लिए समाज में और बड़े परिवर्तनों की जरूरत है और बड़ी राजनीतिक कार्यवाही की जरूरत है, राजनीतिक क्रांति की जरूरत है, तब एक नया समाज बनेगा जहां पे नई शिक्षा व्यवस्था बनेगी जो मुक्तिकामी होगी। अब ये हम जरूर सवाल उठा सकते हैं, हम अपने विद्यार्थी आंदोलनों में, युवा आंदोलनों में, कामगारों के आंदोलनों में, दलित आंदोलन में, आदिवासी आंदोलनों में, क्या हम के दौरान मुक्तिकामी शिक्षा का एजेंडा अपने हाथों में लेकर आम जनों के बीच में जाके, जैसा मैंने पहले कहा था, उनकी झोपड़पट्टियों में जाके, उनके गांवों में जाके, टोलों में जाकर, बस्तियों में जाकर हम क्या मुक्तिकामी शिक्षा का एजेंडा खुद लागू कर दें, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? ये संघर्ष और निर्माण की लड़ाई हो जाएगी, केवल संघर्ष की नहीं, साथ में आप निर्माण भी कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। आप निर्माण कर रहे हैं मुक्तिकामी शिक्षा का, एजुकेशन फॉर इमेंसिपेशन का, लिबरेशन का, आप इसका निर्माण कर रहे हैं। और ये निर्माण अगर हमारे युवा और विद्यार्थी आंदोलन में होने लगा, मजदूरों के आंदोलन में, कामगारों के आंदोलन में होने लगा, ट्रेड यूनियन ने इसको अपना एजेंडा बना लिया, तो हमारी लड़ाई बहुत सुगम हो जाएगी और जल्दी हम लड़ाई के मोर्चों को पार करते हुए इसको जीत सकेंगे। इन सब सवालों का मैंने उत्तर दिया है। मनुवादीकरण इस प्रकार का है और मनुवाद के खिलाफ इसमें कोई एजेंडा नहीं कि मनुवाद को तोड़ने के लिए। पितृसत्ता को एक पितृसत्ता एक व्यवस्था है, उस रूप में नहीं है। जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात की गई है, जेंडर सेंसिटाइजेशन से पितृसत्ता को कोई खतरा नहीं होता। अब करते रहिए जेंडर सेंसिटाइजेशन, जिंदगी भर कीजिए, पितृसत्ता कायम है। पितृसत्ता जुड़ी हुई है जाति व्यवस्था से, जैसा बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट किया, पितृसत्ता जाति व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको पितृसत्ता खत्म करनी है तो जाति व्यवस्था भी खत्म करनी है, और जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो पितृसत्ता भी खत्म करनी है। ये एजेंडा नई शिक्षा नीति में नहीं है, जीरो है। हम सावधान हो जाएं, केवल जेंडर सेंसिटाइजेशन से पितृसत्ता नहीं खत्म होगी, एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट से मुक्ति नहीं मिलती है, न जाति व्यवस्था से, न वर्ग व्यवस्था से, न पितृसत्ता से। दिस पॉलिसी इज डिजाइंड इन वेरी अट्रैक्टिव फ्रेजियोलॉजी टू फूल लिबरल माइंड्स, बट इट इज डिजाइंड टू मेंटेन द प्रेजेंट क्लास कास्ट पेट्रियार्की एंड लिंग्विस्टिक हेजेमनी ओवर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसमें हेजेमनी को, इसमें वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं दी गई है, वो विचार ही नहीं है इसमें। इस मायने में एक पूरी खोखली शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है, जुमलेबाजी है। आपने देख ही लिया ना, पूरी महंगी शिक्षा होगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी का मतलब होगा घटिया यूनिवर्सिटी, कहा जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी घटिया। वो कहेंगे सेल्फ रेगुलेशन, उसका मतलब होगा कोई रेगुलेशन नहीं, आप लूटते रहिए। ये भी तो खासियत है नवोदारवाद की, आप सेल्फ रेगुलेशन कहिए, ट्रांसपेरेंसी बोलिए, और उसमें लूट भी आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, फिर उसकी इजाजत है। लूट ट्रांसपेरेंटली होगी तो नवोदारवाद को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको इजाजत देगी लूट को ट्रांसपेरेंट करने की। और बताइए लगभग 300 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लेकिन डेटा पैक की भी एक आज लिमिटेशन हो गई है, सब भी इतने देर से सभा में जुड़े रहे हैं डेटा पर, उसके लिए भी उसको भी ध्यान में रखते हुए बस दो और सवाल लेके हम आज की सभा को खत्म करेंगे। इसको शायद आपने भी ऑलरेडी आपने जितना कहा उसमें आपने इसको कुछ कुछ इशारा तो दिया ही, जिस तरीके से आपने राजनीतिक रणनीति की बात की, तो दो सवाल उससे जुड़ा हुआ है। आलोक मिश्रा जी पूछते हैं कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद से सेक्युलर पक्ष पर आपका क्या राय है, पर क्या राय है इस नीति, जैसे जी
सेक्युलर पक्ष का क्या राय है इस नीति की। जैसा कि आपने कहा कि ऐसे कई चीजें हैं जो ये नीति बदलती भी है और कई ऐसे चीजें हैं जो पुराने सरकारों की नीतियों को ये आगे भी लेके जाती है, तो उसमें ये सवाल महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा सवाल आता है प्रसून जी से, जो पूछते हैं कि जब भी शिक्षण में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि इसके लिए पॉलिटिकल विल नहीं है, मतलब राजनीतिक इरादा नहीं है, तो ये पॉलिटिकल विल कैसे बढ़ाया जाए, इसके क्या फैक्टर है। आपने कॉमरेड शंकर गुहान योजी के संघर्ष और निर्माण की राजनीति की बात की, तो अगर इससे भी अगर आप और कुछ जोड़ना चाहें, ये दो कैसे बढ़ाया जाए जी, पॉलिटिकल विल राजनीतिक इरादे को। ये सेक्युलर पक्ष का सवाल में एकदम आलोक का सवाल में समझा नहीं था। क्या पूछ रहे हैं, ये सेक्युलर पक्ष की शिक्षा व्यवस्था ये पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से सेक्युलर पक्ष पर क्या राय है, ये नीति को लेकर सेक्युलर पक्ष किस तरीके से इसको देख रहा है, उसको अगर आप थोड़ा साफ करें। मुश्किल सवाल है। मैं इस सवाल को ऐसे शुरू करता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या यह शिक्षा नीति जो सेकुलर भारत की कल्पना है उस ओर ले जाने की शिक्षा होगी या नहीं होगी? नहीं, वो तो नहीं होगी, कतई नहीं है, उस ओर ले जाने की नहीं होगी। बात बिल्कुल साफ है, मैंने उसको उदाहरण भी दे दिया है कि आप जब बुद्ध और महावीर को का नाम लेने से डरते हैं और आप चार्वाक और लोकायत का नाम से लेने से डरते हैं और बाकी जो है उसको आप मान लेते हैं कि वो हमारी महान प्राचीन संस्कृति थी, तो आप प्राचीन संस्कृति को भी मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति में प्रश्न उठाना, तार्किक चिंतन करना बहुत अभिन्न हिस्सा रहा है, पर उन मिसालों का नहीं रहा है जिन मिसालों का जिक्र इस नीति में हुआ है, उनका नहीं रहा है। जो तार्किक चिंतन के पक्ष में नहीं थे उनका जिक्र हुआ है, जो सोच विचार आलोचना करने से सीखते थे उनका जिक्र नहीं हुआ है। पूरी आप लिस्ट पढ़ लीजिए, वो हुआ है एक वचस्वपूर्ण हिंदू राष्ट्र के कल्पना का, उसका जिक्र हुआ है इसमें, तो इसलिए जाहिर है वो सब नहीं करेंगे। और वैज्ञानिक मानस का तो बहुत हुआ है, इसमें दो बातें हैं, वैज्ञानिक मानस की जरूरत कॉर्पोरेट पूंजी की तो बहुत है, कॉर्पोरेट पूंजी बिना वैज्ञानिक मानस के आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो अर्थव्यवस्था के सवालों की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी के सवाल की बात हो, या टेक्नोलॉजी के पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, थ्योरी होती है उसकी बात हो, तो विज्ञान टेक्नोलॉजी अर्थशास्त्र इन सब चीजों में एक वैज्ञानिक चिंतन की तो बहुत जरूरत है कॉर्पोरेट पूंजी को। लेकिन कॉर्पोरेट पूंजी भी घबराती है वैज्ञानिक चिंतन से, अगर हद के आगे बढ़ गया तो बहुत खतरनाक हो जाता है। आखिरकार आइंस्टाइन ने तो मशहूर लेख लिखा है वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, ये लेख तो आइंस्टाइन ने लिखा ना, एक इतने धुर वैज्ञानिक ने ही लिखा, तो वो जानते हैं कि जो वैज्ञानिक होंगे वो अंत में यही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि शोषणकारी समाज व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है, हमको धार्मिक कट्टरवाद वाली शिक्षा व्यवस्था मंजूर नहीं है, वो सब इस जगह पहुंच जाएंगे, वो जानते हैं। पर कॉर्पोरेट पूंजी धर्म को अफीम मान के उसका इस्तेमाल भी करना चाहती है अपने पक्ष में, इसलिए आज दुनिया की कॉर्पोरेट पूंजी भारत के हिंदू राष्ट्र की ताकतों के साथ खड़ी है। ये आपने पता नहीं कितना सोचा नहीं सोचा, भारत की हिंदू राष्ट्र की ताकतों को के साथ दुनिया की कॉर्पोरेट पूंजी आज खड़ी हुई है। केवल हिंदू राष्ट्र के साथ ही नहीं, दुनिया भर में जो इस समय फासीवादी ताकतें जाग रही हैं, उन सबके साथ दुनिया की कॉर्पोरेट पूंजी खड़ी हुई है। इस और नहीं बोलूंगा अभी मैं, पर ये भी आप समझ लीजिए, इसके बावजूद कि उनका अपना जो ग्रोथ है वो वैज्ञानिक चिंतन के बगैर नहीं हो सकता, तो ये जो दो पहियों पे खड़े होके चलने के जो कला है ये कॉर्पोरेट पूंजी को आती है, पूंजीवाद जानता है इसको, तो ये भी हम जान लेते हैं। अब इसके अलावा ये प्रश्न भी उठता है, अगर सेकुलर समाज के निर्माण में ये शिक्षा नीति मददगार नहीं होगी तो जो सेकुलर फोर्सेस आज देश में है वो इसको किस नजरिए से देखेंगे और क्या करेंगे? भाई उनके लिए वही मामला है जो हमारे लिए है, सबके लिए है, या तो ये शिक्षा नीति को रुकवा दें, अगर वो ताकत नहीं है तो कम से कम सेकुलर समाज का क्या मतलब होता है, उसका मतलब किसी धर्म का विरोध करना तो नहीं है,
उसका मतलब एक वैज्ञानिक तार्किक चिंतन पे खड़ा हुआ दर्शन और सोच है, और हर एक समस्या के पीछे जो तार्किक आधार है उसको खोज लेना, चाहे वो समाजशास्त्र के सवाल हो, चाहे वो भाषा के सवाल हो, हर एक के पीछे जो तार्किक आधार होता है उसको खोज लेना, उसके आधार पर समाधान ढूंढना, आंख मूंद के किसी चीज को नहीं स्वीकारना क्योंकि वो छपी हुई सामग्री, इसलिए स्वीकार लिया क्योंकि टेलीविजन में बोल दिया गया इसलिए स्वीकार लेने, ये कोई आधार नहीं है सत्य को स्वीकारने के। तो बुद्ध और भगत सिंह दोनों ने जो लिखा है उसको समझ लेना। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था अगर सरकार तो नहीं देने वाली, ये हम लोगों को खुद खड़ी करनी होगी। और मुझे लगता है शंकर गोयन योगी के बारे में नई पीढ़ी के विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते भी हैं उनको मैं कह रहा हूं, नई शंकर गोयन योगी का ये बड़ा भारी राजनीतिक योगदान था। ये नहीं कि उन्होंने एक मजदूर आंदोलन खड़ा कर लिया, वो तो था ही, पर मजदूर आंदोलन उन्होंने संघर्ष निर्माण की द्वंद्वात्मकता या डायलेक्टिक्स से खड़ा किया, संघर्ष के लिए निर्माण, निर्माण के लिए संघर्ष, संघर्ष के जरिए निर्माण पैदा होता है, निर्माण के जरिए संघर्ष पैदा होता है। उन्होंने इस बात को ऐसे कहा कि एक इंसान मजदूर आंदोलन के लिए कहा, एक इंसान मजदूर आंदोलन की तरीके से है, अगर वो केवल संघर्ष के कदम उठाएगा तो लड़खड़ा के गिर जाएगा, अगर केवल निर्माण के कदम उठाएगा तो भी लड़खड़ा के गिर जाएगा, अगर एक कदम संघर्ष का, एक कदम निर्माण का इस लय में उठेंगे तो बहुत दूर तक वो जा सकेगा, और मजदूर आंदोलन भी बहुत दूर तक जा सकेगा। इन्होंने करके दिखा दिया वहां पे, मजदूरों का अस्पताल, मजदूरों के स्कूल, मजदूरों के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के तरीके, जंगल उगाने के तरीके, वो सब उन्होंने करके दिखा दिया। मजदूरों के उत्पादन के तरीके, लोहा पत्थर की खदानों में लोहा पत्थर कैसे ज्यादा और कम खर्च में पैदा किया जाए, इसके तरीके मजदूर आंदोलन ने खुद ढूंढ लिए और सिखा दिए, भिलाई स्टील प्लांट को सिखा दिए, तो ये सब हो चुका है वहां पर। तो हमें अपने विद्यार्थी आंदोलन में, अपने मजदूर आंदोलन में, अपने पर्यावरण के आंदोलन में ये जो संघर्ष निर्माण का दर्शन है इसको जोड़ना है, तो शिक्षा में भी जोड़ना है। मतलब शिक्षा के खाजगीकरण, माफ कीजिएगा मराठी शब्द आ गया, निजीकरण की लड़ाई, निजीकरण के खिलाफ लड़ेंगे हम, बाजारीकरण के खिलाफ लड़ेंगे, तो हम ये भी लड़ेंगे उसी टाइम पर कि इस टाइम पर लड़ाई तो कब जीतेंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ते हुए भी लड़ेंगे कि हमारे झोपड़पट्टियों में, हमारे आदिवासी टोलों में, हमारे बस्तियों में किस तरीके से बेहतरीन शिक्षा दी जाए, उसमें विज्ञान भी हो, सामाजिक विज्ञान और भाषा भी हो, उसमें सेक्युलर पक्ष भी हो, उसमें मुक्ति का मतलब भी समझाया जाए, मुक्तिकामी भी हो, ये सब ऐसे शिक्षा की व्यवस्थाएं अगर हमने खड़ी नहीं की तो मुझे लगता है केवल संघर्ष करके, केवल जिंदाबाद के नारे लगा के लड़ाई नहीं जीती जा सकती। क्योंकि एक समय ऐसा था 60 के दशक में, 70 के दशक में था ऐसा समय जब हम लोगों ने होशंगाबाद जिले में सरकारी स्कूलों के जरिए एक क्रांतिकारी विज्ञान शिक्षण का कार्यक्रम चलाया, वो सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचरों के जरिए चलाया, लेकिन आज किसी भी सरकारी व्यवस्था में इसके लिए इजाजत नहीं मिल सकती, और प्राइवेट में तो सवाल ही नहीं उठता, प्राइवेट उस समय भी नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलेगी, तो उसमें सरकारी स्कूल व्यवस्था में इजाजत मिली कि हम सारा आमूल चूल परिवर्तन कर दें, ये जो सुंदर शब्दावली में इसमें लिखा हुआ है वो सब हम कर चुके हैं, हम होशंगाबाद जिले के 300 स्कूलों में कर चुके हैं, सभी सरकारी स्कूलों में ये हो चुका है, ये सारी सुंदर शब्दावली आ चुकी, क्रिटिकल थिंकिंग सब आ चुका है उसमें, और परीक्षाएं भी बदल चुके हैं, वहां की बोर्ड की, आठवीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी, आठवीं की बोर्ड की परीक्षा भी बदल चुके हैं, जहां पे रटने के आधार पर सवाल पूछना बंद हो गया था, रटे हुए सवाल पूछे ही नहीं जा सकते थे उनकी बोर्ड परीक्षा में, न पूछे गए थे कभी, वो बंद हो चुके थे वो सवाल, जो कि बच्चे की चिंतन की शक्ति, तर्क की शक्ति को पहचानने के सवाल होते थे, इसलिए वहां पे ओपन बुक एग्जामिनेशन होता था, सारी किताबें लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। ये परिवर्तन हम ला चुके हैं, वहां के जो शिक्षक थे लोअर डिवीजन टीचर कहलाते थे, प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी के टीचर जो शिक्षक थे वो शिक्षा सचिव से किसी भी मीटिंग में सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे, एजुकेशन सेक्रेटरी से, जो अपने हेडमास्टर की से घबराते थे उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि शिक्षा सचिव से सवाल कर सके। ये सब हम कर चुके हैं सरकारी स्कूल व्यवस्था में, इसी से घबरा के तो वर्ल्ड बैंक ने इसको रुकवा दिया, वर्ल्ड बैंक कहानी है।
और वो संभावी के दादाजी ने शुरू करवाया था, तो संभावी से जुड़ी हुई कहानी वो अलग है। ये सब संभव था उस समय, आज किसी सरकारी स्कूल में ये क्रांतिकारी शिक्षण की व्यवस्था नहीं अलाउ की जाएगी, नहीं की जाएगी। हमने अभी हाल में भी टेस्ट किया था, अभी जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तभी जवाब मिल गया था इसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के पूंजीवाद को चुनौती देगी अंत में, इसे इसके लिए इजाजत नहीं मिल सकती है। नव उदारवाद को समझेगी, नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी, इसे यहां पर नहीं मिलेगी। और प्राइवेट स्कूलों में तो सवाल ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल तो इतने गुलामगिरी के स्कूल है, वहां से तो केवल गुलाम मानस के ही महंगे मजदूर, पूंजीवाद को महंगे मजदूर गुलामगिरी करे हुए, सस्ते मजदूर सरकारी स्कूलों से मिलते हैं, यही फर्क है, मजदूर सब है। जवाब मिला ही नहीं मिला मुझे मालूम नहीं, जो मुझे अकल थी मैंने बता दी। एक नारा याद आ गया, नारा भी बनाया आपकी बात सुनते समय, वो मैं शेयर कर दूं। नारा ये है, ऑनलाइन शिक्षा रुकवानी है और यूजीसी की ऑनलाइन परीक्षा रुकवानी है, तो उसके लिए नारे बनेंगे, आप भी बना रहे होंगे, तो मुझे एकदम नारा याद आ गया, ऑनलाइन परीक्षा तो बहाना है, मुनाफाखोरी का धंधा लागू करना है, मुनाफाखोरी धंधा लाना है, बाकी सब बहाना है। यूजीसी को लिख के दे दीजिए ऐसी चीजें। यही आपने आज जो जो बातें हमारे साथ शेयर की, इसके लिए जितने भी यहाँ पे अभी लोग मौजूद हैं, लगभग 300 दर्शक मौजूद हैं हमारे साथ, सबके तरफ से आपको धन्यवाद पेश करते हैं। पहले शायद ऑडियो की थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ। कुछ दर्शक लिख रहे थे कि अगर इंग्लिश में अनुवाद मिल जाता है इस वक्तव्य का तो उनके लिए फायदेमंद होता, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि संक्षिप्त में जो जो बातें अनिल जी ने आज हमारे साथ साझा की उसको हम अनुवाद करके आपके बीच पेश करेंगे। और आने वाले दिनों में भी नई शिक्षा नीति पर बातचीत चलती रहेगी, इसके ऊपर आंदोलन भी खड़े करते रहेंगे, और इसमें हम कंधे से कंधा मिला के सार्वजनिक शिक्षा को इस देश के मेहनतकश बहुसंख्यक जो आबादी है उसके बीच में एक मुद्दा बनाते हुए संघर्ष और निर्माण की राजनीति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े, आगे भी धन्यवाद।